अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आज के इस मुख्तसर सोहबत के बानी जो हैं वो हमारे प्रोफेसर अली अहमद फातमी साहब हैं। यही मुहर्रिक थे इस प्रोग्राम के कि ये होना चाहिए 16 नवंबर को। तो अकबर इलाहाबादी की पैदाइश का दिन, इलाहाबाद की दो शख्सियत हमारे साथ जनाब अली अहमद फातमी साहब हैं, हमारे अहमद महफूज साहब, जी प्रोफेसर अहमद महफूज साहब मौजूद हैं। लेकिन बात ये 16 नवंबर और अकबर की पैदाइश से चलती हुई जो शख्सियत इस प्रोग्राम में मौजूद हैं उनको यकजा करने में फैज साहब की एनिवर्सरी तक पहुंची। आज 20 नवंबर है और सोचा कि क्या अच्छा हो कि इन चार मिसरों से इस प्रोग्राम का आगाज करें। ये मिसरे अकबर साहब के लिए भी हैं और फैज साहब के लिए भी हैं कि रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, याद जैसे वीराने में छुपके से बहार आ जाए, आई। जैसे सहराओं में हौले से चले बादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। अच्छा तो सोचा कि फैज साहब को शामिल कर लिया जाए। और अकबर इलाहाबादी का, क्योंकि पिछले जो प्रोग्राम्स हम सब ने किए, एक बड़ा बड़ी तशनगी रहती है कि प्रोग्राम में बातचीत खासी होती है हम लोगों के दरमियान। तो जब देख रहे थे, और हमारे अहमद महफूज साहब जो हैं, प्रोफेसर साहब, आपने तो भाई कमाल के काम किए हैं, यकजा की पूरी 3 जिल्दों में अकबर इलाहाबादी की कुलियात। तो मेरे पे बहुत वाकई काम है अहमद साहब का। जी, आपने बिल्कुल कुलिया कल मैंने आपसे जिक्र किया था। बिल्कुल। तो आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं अली अहमद फातमी साहब से। फातमी भाई, आज का एक जो प्रोग्राम के ऊपर एक छोटा सा एक एक लाइन छोटी सी है कि अकबर के बाद 100 साल और हम, जी 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 मेरे पास तो फरमाइए कि अकबर इलाहाबादी की इतनी जहते हैं उनकी शख्सियत की कि क्या इन 100 सालों में उनके साथ वो इंसाफ हुआ एक अदबी शख्सियत के नाते जो कि होना चाहिए था। क्या हम लोगों ने उन्हें उस तरह याद रखा जिस तरह उन्हें याद रखा रहना चाहिए था और याद करना चाहिए था, जितना उनके ऊपर काम होना चाहिए था निसाब के हवाले से और कलाम पे तो अभी प्रोफेसर अहमद महफूज साहब से बात होगी। तो आज के प्रोग्राम का आगाज आपसे करते हैं फातिमा बहुत शुक्रिया भाई। आदिल जैदी साहब। और तभी दोस्तों को सलाम करते हुए मैं आदिल जैदी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी ये दरख्वास्त कबूल की और महफूज साहब को, राशिद शेख आपको, इकबाल हैदर साहब को, अनीस भाई को, सबको इकट्ठा किया। मेरा बस ये, मैंने अकबर को याद करने की वजह सिर्फ इतनी नहीं थी कि मैं भी इलाहाबाद का हूँ और वो भी इलाहाबाद के हैं, या ये कि उनकी पैदाइश के 100 साल हैं, 1921 वफात के, उनकी वफात के, वो तो पैदा तो 1846 में हुए लेकिन उनकी वफात 1921 में हुई और ये साल 2021 का है। तो 100 साल में गुजर जाने के बावजूद बेशतर नक्कादों की नज़र में अकबर अपने अफकार व ख्यालात या पैगामात वगैरह के बारे में आम तौर पर नाकाम साबित होने या अपनी शिकस्त की आवाज़ हो जाने वगैरह वगैरह जो तो इल्ज़ाम उन पर लगे हैं, उसके बावजूद तरक्की पसंदों ने तो अकबर से खासा इख्तलाफ भी किया, बल्कि मैं आपके प्रोग्राम के लिए कुछ श्याम साहब, मुमताज़ साहब और मोहम्मद हसन वगैरह के मजामीन उलट पुलट रहा था तो बहुत कम लिखा उन लोगों ने, सर सैयद पर जितना कम लिखा उतना ही कम
अकबर पे लिखा। बस एक ये कि वो अकबर चूंकि तरक्की के बहुत खिलाफ थे और तब्दीली के खिलाफ थे, तो इस तरह की अकबर के बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ, नाकामियाँ, जो भी कह लीजिए, मगर उसके बावजूद 100 साल गुजर जाने के बावजूद अकबर हमारे आसाब पर आज भी सवार है। अकबर हमारे किसी निसाब से अलग भी नहीं है, चाहे वो हाई स्कूल का निसाब हो या एमए और पीएचडी तक आप चले जाइए। अकबर का नाम आज भी तंज और मिजाह की शायरी में एकदम सर फेरिस्त माना जाता है। अकबर का नाम मुतवाजी तौर पर सर सैयद के साथ लिया जाता है, चाहे वो मुखालफीन के तौर पर लिया जाए, लेकिन एक मुतवाजी तौर पर अकबर। तो ये ऐसी क्या बातें हैं कि बज़ाहिर जो ये इल्ज़ामात हैं कि वो अपनी शिकस्त की आवाज़ थे, न वो अंग्रेज़ी तालीम और तरबियत और तहजीब से मुसलमान को बचा पाए, न औरतों को वो बेपर्दगी से बचा पाए, न मुल्क और माशरे को सार्फियत, कंज्यूमर कल्चर या जिसे उर्फ आम में बाजारवाद कहते हैं, उससे वो बचा पाए। इन सब के बावजूद अकबर अकबर है, अकबर है। तो वो फिर कौन सी खूबियां हैं, वो कौन सी बातें हैं जो अकबर को हमें अच्छी अच्छी बात कही है। एक जगह आले मसरूर ने बड़ा अच्छा मजमून लिखा है अकबर की मानवियत के उन्वान से। उन लिखा है कि अदबी तनकीद का एक काम ये भी होना चाहिए या नकाद का कि कुछ अरसा गुजर जाने के बाद अपने मशाहीर के कारनामों से वो फिर से परखे। हो सकता है कि जो पहलू नज़रअंदाज हो गए हैं या उनको ज्यादा अहमियत नहीं दी गई हो, उनको नई तंजीब और नई ताबीर मिल जाए। यह आले मसरूर ने जो अकबर की मानवियत में एक लंबा मजमून लिखा है। सरूर साहब ने अकबर पर और सैयद के रिश्ते पर वगैरह वगैरह पर, एक शाम साहब का भी एक मजमून मिलता है, मोहम्मद हसन का भी एक मजमून मिलता है, अकील साहब का एक भी मजमून नहीं, अमर रईस का एक भी मजमून नहीं, शारिफ रुदलवी का एक भी मजमून नहीं। तो ये बात सोचने की है। मैं भी गौर करता रहा कि मामला क्या है। तो मैं एक वजह तो यह समझता हूँ कि एक अरसे तक उर्दू शायरी में गजल का दबदबा रहा, गजल का की हुक्मरानी रही, इश्क मोहब्बत का गलबा रहा, तंज मिजाह या उससे मुतालिक तंजिया मिजाहिया शायरी हमेशा उर्दू में कम से कम दूसरे या तीसरे नंबर की चीज समझी गई। उसकी शिकायत आले मसरूर से लेकर शबशर रवान फारूकी तक भी करते हैं। फारूकी साहब ने तो अकबर पर 5 मजामी लिखे और एक तरह से अकबर को भी और साथ साथ अपने ताल्लुक से भी अकबर शनासी का एक नया मैसेज दिया, और ये भी बहस की कि दुनिया में ह्यूमरस और सटायर पोएट्री की अपनी अहमियत है। दुनिया में आसान काम नहीं होता तंज मिजाह की शायरी करना। जब माशरा बेहंगम हो जाता है, समाज बेतरतीब हो जाता है, अकदार पामाल होने लगते हैं और सब कुछ गड़बड़ होने लगता है, तब जाके तंज मिजाह की शायरी या तंज मिजाह का अदब निकलता है। और आसान काम नहीं होता है। और एक ये भी कहा गया है कि तंज के बगैर मिजाह मुकम्मल नहीं, मिजाह के बगैर तंज मुकम्मल नहीं, और जरा सा चूके तो उसमें फक्कड़पन भी आया। असल प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो शेरियात और हमारी जो तहजीबी मीरास रही है, उसमें हमने एक तंजिया और मिजाहिया शायरी क्या, हमने इश्किया शायरी के अलावा या गजलिया शायरी के अलावा हमने वो मुकामी नहीं दिया, न रसाई शायरी को दिया, न अवामी शायरी को दिया, न हमने बच्चों की शायरी को वह अहमियत दी, न हमने मजाहमती व एहतजाजी शायरी को दूसरे या तीसरे नंबर की चीज़ को समझा। और इसी तरह से अकबर को भी हमने, लेकिन ये मीर अनीस हो या नज़ीर अकबर आबादी हो या अकबर इलाहाबादी हो, ये इतने पावरफुल शोरा थे कि इन तमाम तर इख्तलाफात और मेयार परस्त माहौल के बावजूद अपने दम पे अकेले खड़े हुए हैं। खाव नज़ीर हो चाहे अनीस हो चाहे अकबर हो या इस्माइल वेरेठी को भी मैं इसी सब में शामिल करता हूँ। अब देखना यह है कि इस बहस को मैं अब दूसरी तरफ रुख मोड़ता हूँ कि एक ऐसा शायर जो वहीद इलाहाबादी का शागिर्द, वहीद इलाहाबादी
आतश लखनवी के शागिर्द थे। एक सूफियाना शारिया इलाहाबाद में भी गजल की शायरी सूफियाना शायरी और आस्ताने थे और दायरे थे और दरगाहें थी, एक सूफियाना गजल गोई की तरफ शुरू हो रहा है। अचानक वो आदमी 1886 ईस्वी के आसपास गजल गोई को कुछ देर के लिए पीछे डाल के और नज्म की तरफ आता है, और वो भी तंज मिजाह की तरफ, नज्म की तरफ आता है। आखिर ये जो मुराजियत तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन इनकलाबियत जरूर कहूंगा, एकदम टर्न लेना और गजल से नज्म की तरफ आ जाना, और नज्म भी वो क्यों आए गजल, और वो भी मजाहिया नज्म की तरफ क्यों आए, वो क्या कहना चाहे, एक ट्रांसिस पीरियड में, वो भी बोहरानी दौर में। देखिए ना 1846 में वो पैदा होते हैं, 1921 में उनका इंतकाल हो जाता है, ठीक है 75 साल की उम्र पाई, लेकिन बीच में 1857 खड़ा हुआ है, और 1857 के तसादु में अकबर कहाँ खड़े हैं ये हमें देखना है। सैयद किधर खड़े हैं और अकबर किधर खड़े हैं, और इन दोनों के माबेन टकराव क्या है। देखिए जब भी ट्रांजिस पीरियड होता है, कुबूरी दौर बुरानी दौर होता है, तो मुख्तलिफ किस्म के नज़रियात बाहम मुतसादिम होने लगते हैं। कुछ एक नज़रिया ये था जो सर सैयद जिसको लीड कर रहे थे कि भाई अंग्रेज़ी पढ़ो, अंग्रेज़ से अच्छे ताल्लुकात रखो, अंग्रेज़ी अंग्रेज़ी अंग्रेज़ी, ठीक है भाई एक नज़रिया था वो। दूसरा नज़रिया था कि अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ की शदीद मुखालफत करो। अब एक और अहिया पसंदी और जिससे बड़ी हद तक अकबर भी जुड़े हुए थे, बड़ी हद तक कह रहा हूँ, कुलिया नहीं जुड़े हुए थे। तीसरा तबका वो भी था कि जो भाई थोड़ा मशरिक को भी ले चलो और थोड़ा मगरिब को भी ले चलो, मिला जुला के एक रास्ता। तो अकबर ने अंग्रेजी पढ़ी, अपने बच्चों को भी पढ़ाई, जज के ओहदे तक पहुंचे, लेकिन फिर भी वो अंग्रेजी जबान के नहीं अंग्रेजियत के खिलाफ होते। उन्हें यह खतरा महसूस हो रहा है कि अगर ये तहजीब का जबान की चाहे तहजीब हो, लसानी तहजीब हो या समाजी या इक्तसादी तहजीब, ऐसा ना हो कि इस सैलाब में हमारे मशरिकी अखदार, हमारे मजहबी अखदार, हमारे इंसानी और इस्लामी अखदार बह ना जाए। इसलिए उन्होंने टोटल टारगेट किया उस तहजीब के खिलाफ जो जो, जो, जो लाद रहे थे, जो आ रही थी। और सबके बाद अब इससे उनकी जो अरे साहब वो तो अंग्रेजी के खिलाफ थे, वो अंग्रेजी के खिलाफ नहीं थे, वो अब उस मशरकी अकदार को जो हजारों बरस का सरमाया था उसको लूटते पीटते, तो उसमें जो एक दर्दमंदी है, जो एक फिक्रमंदी है, जो तशवीश है, जो छटपटाहट है, उसको अगर आप उस पीरियड में रख कर आज देखिए 100 साल हो गए, वो सारे जो मसाइल थी या अफकार थे या उलझने थी अकबर की, आज मल्टीनेशनल कंपनियां छाई हुई हैं, आज हम अपने सारे वो भूले जा रहे हैं सारे। जो अकबर ने, मैं तो कहता हूं, मेरी फारूकी साहब से बात हो रही थी कि इतना बड़ा मुस्तकबिल शनाज और तहजीब शनाज शायर नहीं हमारे दौर में, 100 बरस बाद की वो चीजें देख रहा है। हालांकि वो कह रहा है कि तुझे क्या गम है अकबर, ना तुम होगे ना हम होंगे, लेकिन फिर भी मतले में कह रहा है ये मौजूदा तरीके राहिये मुल्के अदम होंगे, नई तहजीब होगी और नए सामा हम होंगे। लेकिन आप देखिए ये दो शेर खास तौर पर मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं कि दुनिया में हूं दुनिया का तलबगार नहीं, नहीं। बाजार से गुजरा हूं खरीदार, क्या गजब का शेर है। पहले शेर में एक सूफिया नारंग, दुनिया में हूं दुनिया का तलबगार, उसके अंदर एक सूफी बोल रहा है। लेकिन दूसरा शेर जो है, बाजार से गुजरा हूं, बाजार ये वो बाजार नहीं है जो जो नजीर अकबर आबादी का बाजार था, दुनिया जब बाजार है कुछ जिंस यहाँ की साथ ले, वो ये गालिब वाला बाजार है, ले आएंगे बाजार से जाकर दिलो जाओ, यानी सार्फियत मार्केट कल्चर इतना बढ़ रहा है, इतना हावी हो रहा है कि जिगर और फेफड़े और दिल भी अब बिक रहे हैं बाजार में। तो बाजार से गुजरा हूं खरीदार नहीं हूं, वो जो अंग्रेजी तहजीब की चीजें या अंग्रेजी माशरत की, अंग्रेजी इक्तसादियात की, सकाफत की चीजें हैं, उसकी तरफ से अकबर की बेजारी है। तो दो शेर हैं, जिंदा हूं मगर
जीस की हसरत नहीं बाकी, हर चंद की हूं होश में होशियार नहीं। अब देखिए कितने मार्के की बात कर रहा है, और फिर बेहुनर होकर जो बैठो ता नए हाली सुनो, बाहुनर होकर जो चमको कौम से गाली सुनो, हमको तो पीरे तरीकत ने यही दी इस्लाह, कि सहे मंसूर देखो और कव्वाली सुनो, डट के कव्वाली सुनो। लेकिन वो पहले वाला की बाजार से गुजरा हूं, तो ये सारी चीजें जो है, सैयद उठे जो गजट लेके तो लाखों लाए, शेख कुरान दिखाते फिरे पैसा ना मिला। ये सब जो एक तब्दीली जमाना है, तब्दीली माशरत है और अंग्रेजियत है, ये अकबर का। अब ठीक है, शायर किस वक्त किस मूड में रहता है उसको उस तरह से भी लेना चाहिए। ये नहीं साहब उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा कि सब चिंदी की चिंदी नहीं की जाती, उनका दर्द समझने की जरूरत है। आखिर कौन सी बात है कि इकबाल जैसा अजीम शायर अकबर को अपना पीरो मुर्शिद मानता है, जोश जैसा इनकलाबी एहतजाजी और इनहराफी शायर जब 20-22 साल की उम्र में अपना पहला मजमुआ लेकर आता, 1920 में जब पहला मजमुआ आता है रूहे अदब, तो 23-24 साल के थे, जोश नौजवान, वो अपने उस्ताद अजीज लखनवी से तकरीर नहीं लिखवाते, अकबर इलाहाबादी से लिखवाते। और अकबर उसमें एक बड़ा मार्के का जुमला कहते हैं, काश कि कोई लम्हा ऐसा आए कि हम आप और इकबाल यकजा हो। आप सोचिए, अकबर इकबाल से तकरीबन 30 साल बड़े। अकबर ने मैदान शायरी में तंजुमिजा का रास्ता अपनाया, इकबाल पूरी संजीदगी गहराई के साथ फिक्र फलसफे के रास्ते पर चले। अकबर बड़ी हद तक कदामत परस्त थे और इकबाल तरक्की पसंद थे, कम से कम मैं तो मानता हूं। अकबर अमली सियासत से दूर थे, इकबाल मुकामी और आलमी दोनों किस्म की फिक्री सियासत से बहुत करीब थे। अकबर की शायरी घरेलू किस्म की सियासत तक महदूद थी, जबकि इकबाल की फिक्र आलमगीर थी। अकबर रवायती किस्म के तसव्वुफ कायल थे, इकबाल ऐसे तसव्वुफ के खिलाफ थे, उनका फाल मर्द मोमिन दर के दुनिया को पसंद नहीं करता। इकबाल की मशरकियत मगरबियत के रद्द अमल पैदा हुई थी, वो तरक्की व तब्दीली के मुखालिफ न थे, लेकिन अमल यकीन और खुदी के जरिए मुकम्मल इंसान और मुसलमान देखना चाहते थे। अकबर के यहाँ सब कुछ ना था, वहां सिर्फ तब्दीली का मजाक था और शायद थोड़ा बहुत अहिया पसंदी के मिजाज, कुछ और इख्तलाफ भी थे, लेकिन इन सब इख्तलाफ के बावजूद दोनों में जो अनासिर मुश्तरक थे वो थी उनकी मशरिक परस्ती, मजहब परस्ती और मिल्लत परवरी और मुसलमानों को लेकर फिक्रमंदी। आप गांधी नामा जैसी नज्म देखिए जो उनकी मौत के बाद छपी, कि 1917 में गांधी एक्टिव होते हैं सियासत में और 1921 में अकबर का इंतकाल हो जाता है, सिर्फ 4 साल। उसके बावजूद वो शायर कह रहा है कि मदखूल है गवर्नमेंट, अकबर अगर ना होता उसको भी आप पाते गांधी की गोपियों में। ये अकबर का आप देखिए और पूरे अहद को मुतासिर कर रहा है, पूरे अहद को मुतासिर कर रहा है, इकबाल तक मुतासिर हो रहे हैं, और फिर बहुत सारी बातें हैं जो अभी दरमियान में आएंगी। तो इसलिए एक पहलू और है जिसमें मुझे प्रोफेसर अहमद महफूज बात करेंगे, और वो ये कि लिसान जबान का ऐसा गैर मामूली हल्लाखाना इस्तेमाल, भाई हमने तो भाई तंजुमिदा के मामले में और पामाल अल्फाज, गिरे पड़े अल्फाज फरसूदा, और उसको बुद्धू और जुम्मन को जिस तरह से वो लेकर आ रहे, और शायरी और अंग्रेजी के अल्फाज को, इस पर मुझसे बेहतर गुफ्तगू हमारे महफूज साहब करेंगे। आप देखिए कि आप कितना भी इख्तलाफ कीजिए, बड़े शायरों से इख्तलाफ होता भी है, लेकिन अकबर की दूरंदेशी, अकबर की तहजीब शनासी, अकबर की मुस्तकबिल शनासी के अदाब को आपको देनी पड़ेगी। मुझे भी दीजिए अखबार का वर्क कोई, मगर वो जिसमें दावाओं का इश्तिहार ना हो। आज आप देखिए इश्तिहार से भरे पड़े हैं अखबार, 100 साल पहले अकबर देख रहे हैं, और आज देखिए वही बिल्कुल खा डबल लोटी, देखिए आता चीज वो है बने जो यूरोप में, बात वो है जो पानियर में छपे। आज हम अपनी लोकल जो प्रोडक्शन है उस पर हमारा आज भी इतनी तरक्कियों के बावजूद लोकल प्रोडक्शन पर हमारा विश्वास नहीं, हमारा एतमाद नहीं, जितना कि चाइनीज की
या जितनी की जर्मन चीजों की, ये था सारा मामला। तो इस सब को हमें अब नए सिरे से सोचना पड़ेगा, और हम ऐसे अनोखे और अलबेले शायर को यूं ही चला जाने दें ये सोचकर। आखिर में मैं, मुझे मालूम है 4-5 मुकर्रर हैं, उन सबको अपनी अपनी बात कहनी है, तो आखिर में मैं ये कहूंगा कि फिराक गोरखपुरी, जो बड़े जिद्दी और बदमाश किस्म के शायर थे, जोश के दोस्तों में से थे, और किसी को घास नहीं डालते थे आसानी से, इकबाल तक को घास नहीं डाला, खैर वो अलग बहस है, लेकिन अकबर पर पूरी एक नज्म कहता है, पूरी नज्म, तेरे कलाम में थी गुदगुदी भी आंसू भी, कभी वतन को हंसाया कभी उदास किया, सुखन के साज में वो दर्द भर दिए तूने, वतन को अपने तरानों से खुद शनास किया, चरागे राह न कोई न पांगे जरस, हमें खबर ही न थी हम कहां थे ऐ अकबर। अब देखिए कितनी बड़ी बात कहे, चरागे राह न कोई बांगे जरस, हमें खबर ही न थी हम कहां थे ऐ अकबर, नचा रहा था कोई चलते फिरते मुर्दों को, हम पूरे हिंदुस्तानियों को मुर्दा कह रहे हैं, और कोई इशारा है जाहिर के अंग्रेज की तरफ, नचा रहा था कोई चलते फिरते मुर्दों को, हम आदमी न थे कठपुतलियां थे ऐ अकबर, हजारों आलमे दी थे बहुत से मुसलह कौम, खुदा के बंदों के थे सब दिखावे के छल बल, और आखिरी शेर सुनिए, ना उनकी चर्ब जबानी न चुटकियां तेरी, ना उनकी चर्ब जबानी न चुटकियां तेरी, तेरे मजाक ने को दिया पयाम अमल। अब देखिए ये मुसलह कौम, पयाम अमल, वतन परस्ती, ये सब चीजें, अबे गांधी, गांधी के क्यों करीब आते हैं, गांधी बहुत जूनियर है अकबर का इंतकाल, लेकिन गांधी का भी जो अध्यात्म है वो अकबर के अंदर छुपे हुए तसव्वुफ को छेड़ता है, कुरेदता है, वो करीब आते हैं, और गांधी नामा जैसी, शाहनामा अब हो चुका, अब दौरे गांधी नामा है, सिर्फ उनके तसव्वुफ और अध्यात्म को, क्योंकि एक अंदर उनके तसव्वुफ एक सूफी छुपा हुआ था, और वो सूफी, यही वजह है कि जब इकबाल की किताब आती है राजाकुदी, तो उसमें जो मुकदमा लिखा उससे इख्तलाफ भी होता है अकबर को, और ख्वाजा हसन निजामी को तो कुछ ज्यादा ही इख्तलाफ हो जाता है, बड़ा वो हुआ इख्तलाफ और बड़े मरहबी और चर्चे, लेकिन अकबर ने फिर भी इकबाल की छोटे होके इज्जत करनी नहीं छोड़ी, और कहा कि भाई ठीक है इख्तलाफ, खैर वो सब अलग बातें हैं, तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि अकबर को हमने तंज मजाक की चाशनी में तो देखा, लदीफ काफिये की रवानी में तो देखा, लेकिन हमने अकबर को सोशो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में, कल्चरल हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश नहीं की, हम जबान और बयान के चटखारे उनके लेते रहे, अरे साहब वाह क्या लदीफ है, पानी पीना पड़ा है पाइप का, हर पढ़ना पड़ा है टाइप का, देखिए कितना अच्छा पाइप और टाइप काफिया बना दिया साहब, हम इसमें पड़े रहे दादा, लेकिन इस पाइप और टाइप के पीछे जो अकबर का दर्द है, जो अकबर की फिक्र है, अकबर की तश्वीश है, और अकबर का खुलूस है, इसकी तरफ हमने बहुत कम ध्यान दिया, तरक्की पसंद नकादों ने भी उतना ध्यान दिया, जबकि वो बहुत खुले दिले अंदाज में, आत्मी भाई बहुत ही मुकम्मल और जामे और भरपूर गुफ्तगू से मैं यहीं पर अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, बस इतना चाहता हूँ कि रवायती तौर पर बात करने के बजाय हम अकबर को नए सिरे से डिस्कवर करें, और आज के तनाजुर में आपने लिखा ना 100 साल और हम से बड़ा जाहिर कि आज का माहौल, उसमें अकबर हमारे लिए कितने रिलेवेंट हैं, उस पर बातचीत ज्यादा, बहुत शुक्रिया, बहुत फातिम भाई ने शुरू में कहा कि कुछ चीजें अकबर इलाहाबादी कायम ना कर सके, तो उस्ताद हैं और फातिमी भाई जो हैं उन्हें हक है, इलाहाबाद में बैठ के अकबर इलाहाबादी पे गुफ्तगू हो रही है, और क्या जामे गुफ्तगू उन्होंने की, बड़ा अच्छा मजमून था, कुछ लगता यूं है कि वो शायद कुछ चीजें कायम नहीं करना चाह रहे थे, हम उनके हवाले से कायम करवाना चाह रहे थे उनसे, क्योंकि थोड़े बहुत जो चीज आपने जिस गजल का हवाला दिया, दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हूं,
बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं, उस गजल का एक शेर जो है उसका इजाफा करना चाहेंगे। ये शेर देखिए कि अफसुर्दा हूँ इबरत से दवा की नहीं हाजत, अफसुर्दा हूँ इबरत से दवा की नहीं हाजत, गम का है मुझे जोफ मैं बीमार नहीं हूं। तो ये जो आपने जैसा कि इशारा किया फातमी भाई, गम का है मुझे ये, गम का मुझे ये जोफ है बीमार नहीं हूं। तो जो हालात थे उनके चारों तरफ, आपने बता, ये जो गदर का पूरा जमाना है, बड़ा अच्छा आपका हवाला था। तो बहुत संजीदा शायरी है उनकी, तंजो मजाह से हटके। एक अच्छी खबर यह है कि राशिद शेख साहब जो हैं वो शामिल हैं, वो पूरी गुफ्तगू सुनी उन्होंने, फोन पे आ गए, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे जूम से। राशिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आवाज आप पहुंच रही होगी राशिद साहब। जी जी, वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं सब हजरात? आप मेरी तरफ। तो हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। राशिद भाई से बड़ी कमाल कमाल चीजें जो हैं सुनने को मिली, कुछ गैर मतबूआ कलाम सुनने को मिला। तो इससे पहले कि चलें अहमद महफूज साहब की तरफ, यहाँ पे दो तीन शेर हैं प्रोफेसर अहमद महफूज साहब जो कि नजर से गुजरे। अकबर ये भी कहते हैं कि खुदा से मांग जो कुछ मांगना है ऐ अकबर, यही वो दर है कि जिल्लत नहीं सवाल के बाद। यही वो दर है कि जिल्लत नहीं सवाल के बाद। अकबर इलाहाबादी उसके बाद ये भी कहते हैं, देखिए है, कि मजहबी बहस मैंने की ही नहीं, फालतू अकल में थी नहीं। कितनी जेहते हैं, मतलब कितनी पढ़ते हैं आप खोलेंगे अकबर इलाहाबादी की, क्या शख्सियत थी। वही फिर कहते हैं कि इश्क इजहार में हर चंद रुसवाई तो है, पर करूं क्या आप तबीयत पर आई तो है। तो ये सारी जो शख्सियत के उनके मुख्तलिफ पहलू हैं, और ये भी कहते हैं, और ये बड़ा एक चैलेंज है, और ये इसमें कोई दो बातें नहीं है कि वो चाहते थे कि जमाना उन्हें ना बदले, वो जमाने को बदल सकें, कोशिश उन्होंने की। कि नाज क्या इस पे जो बदला है जमाने ने तुम्हें, मर्द हैं वो जो जमाने को बदल देते। तो ये इन शेरों को जब आप पढ़ते हैं, राशिद भाई एक शेर आपसे उधार लिया है। जी जी जरूर, वो आपकी जुबानी जो उसमें लुत्फ पाया सुन के, पहली दफा सुना हमने ये शेर। तो ये भी शख्सियत है, तो हम नहीं समझते थे कि वो पर्दे के कायल थे या पर्दा करवाना चाहते थे, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू फातिमा भाई, कि साहिले जोहू पे हुस्ने पारसी को देखकर किसके बस में है कि अकबर पारसा बनकर रहे। तो अब ये शेर जो लिख रहा है वो पर्दे का कितना कायल है ये तो वही जानते होंगे। तो राशिद साहब का वीडियो और नहीं है क्या? नहीं, राशिद भाई का वीडियो नहीं, इसे मुकम्मल कर दीजिए अनीस भाई, ये जो आपने बेपर्दा कल जो आई नजर चंद बीबियां, अकबर जमीन में गैरते कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगे कि अकल पे मर्दों की पड़ गया। क्या बात, इसी के साथ जो है चलते हैं डॉक्टर अहमद महफूज साहब। प्रोफेसर साहब फरमाइए, आपकी तो एक तबील तबील सफर है फारूकी साहब के साथ। आपने आपसे पता लगा कि 30 बरस गुजार दिए उनके साथ आपने। बहुत शुक्रिया आदिल जैदी साहब, और मैं तो जितने भी यहाँ लोग शरीक हैं उसमें मैं बिल्कुल सबसे कम इल्म और नाचीज, हमारे सब सीनियर हैं, खुद हमारे उस्ताद फातमी साहब मौजूद हैं, राशिद शेख साहब हैं जिन्होंने खासा काम किया है अकबर के बारे में, खास तौर से उनके खतूत के बारे में।
तो बहरहाल इस मुजाकरे में अकबर के ताल्लुक से मुझे भी आपने शरीक किया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। लेकिन ये ज़रूर है कि जैसे अभी फातमी साहब ने कहा कि अकबर का ताल्लुक हमारे शहर से, हमारे वतन से है, तो ये ज़रा सा एक पहलू तो इसमें कुछ इफ्तखार का कहीं ना कहीं, चाहे थोड़ा सा शायबा ही सही, लेकिन वो ज़रूर इसमें शामिल है। और ये बहरहाल खुशी की बात भी है और हम लोगों के लिए, बल्कि पूरे जितने भी उर्दू दुनिया के लोग हैं सबके लिए। फातमी साहब ने अपनी बहुत ही जामे और ज़रा तफसीली गुफ्तगु में कई बातें कही, और वो बातें बड़ी बुनियादी और अहम हैं। एक तो ये कि असल में अकबर, यहाँ जाहिर राशिद साहब हैं, अनीसुर रहमान साहब हैं, इकबाल हैदर साहब इस वक्त नजर नहीं आ रहे हैं, पता नहीं वो नहीं मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद हैं, मौजूद हैं। ये सब लोग बहुत जाहिर है, बहुत तजुर्बेकार, बहुत सीनियर लोग हैं। अकबर के बारे में मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी जो शेरी रवायत है और उसमें जो हमारे बड़े बड़े नाम हैं, बड़े शोरा हैं, उनके साथ कुछ बदकिस्मती का मामला भी रहा है। और इस बदकिस्मती में मेरा ख्याल ये है कि सबसे ज़्यादा जो बदकिस्मत रहे हैं वो तो हमारे मीर साहब रहे, जो सबसे बड़े शायर और खुदाए सुखन, और मालूम हुआ कि खुदाए सुखन होकर भी उनकी बदनसीबी और बदकिस्मती जो है उनके उनके साथ रही। हमारे यहाँ हुआ ये है कि ख़ास तौर से नए ज़माने में, नए ज़माने से मुराद वही है यानी 20वीं सदी के बाद का ज़माना, क्योंकि लेट 19वीं सेंचुरी तक जब तक हमारी रवायत कायम थी अपने तमाम तहजीबी तसव्वुरात के साथ, शेरी तसव्वुरात के साथ, तो वहाँ मामला बिल्कुल सही ठीक चल रहा था। 20वीं सदी में हुआ ये कि हम सब जानते हैं कि लेट 19वीं सेंचुरी में जो नए तसव्वुरात, नए ख्यालात, ख़ास तौर से मगरबी यानी कौम अंग्रेज़ों के ज़ेर असर जो चीज़ें हमारे यहाँ आईं, तो उनके नतीजे में जो रिविजिट किया गया हमारी रवायत को, उस रिविजिट में बहुत उसका मनफी पहलू ये है कि बदरजय मजबूरी या जो भी आप कहें कि ये, अब इससे तो इनकार नहीं कर सकते थे कि साहब मीर बड़े शायर नहीं, जब उनको पूरी हमारी रवायत ने उनको अशरु शोरा कहा, अफसहे फुसहा कहा और खुदाए सुखन कहा, तो इससे तो इनकार नहीं कर सकते थे कि मीर बड़े शायर नहीं है। लेकिन मीर की बड़ाई जो है उसका सिर्फ जबान से जिक्र होता रहा, ये नहीं बताया गया कि मीर की बड़ाई वाकई किन बातों में है। और यही मामला जो है वो मैं समझता हूं कि बाद के लोगों में अकबर के साथ यही हुआ कि अकबर को, जैसा भी फातमी साहब ने कहा, ये बिल्कुल सही है कि पिछले 100 साल के दौरान किसी ने शायद ये तो नहीं कहा खुल के कि अकबर जो है वो कोई औसत दर्जे के शायर हैं या मामूली शायर हैं, बहुत अच्छे शायर नहीं हैं। ये तो कहा गया, चाहे ये ना कहा गया हो कि अकबर बहुत बड़े शायर हैं या हमारे सबसे बड़े शोरा में वो बिल्कुल उनके हम पल्ला हैं, ये चाहे ना कहा गया, ये नहीं कहा गया, लेकिन ये ज़रूर कहा गया कि अकबर जो हैं वो अच्छे शायर हैं और काबिल ज़िक्र शायर हैं। जाहिर है कि इसी वजह से निसाब वगैरह में शामिल भी रहे वो, लेकिन इसका जो तश्वीशनाक पहलू है, लफ्ज़ तश्वीशनाक मैं ख़ासतौर से इस्तेमाल कर रहा हूँ, तश्वीशनाक पहलू ये है कि एक तो ये कि अकबर की पूरी शायरी को महदूद करके सिर्फ तंज़ व मज़ाह के दायरे में रख कर देखने का रुझान पूरे पिछले 100 साल के दौरान रहा, जबकि अकबर जो है उनके कलाम का बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा मैं समझता हूँ कि उनकी गज़लियात को और उनके फर्दियात को अगर एक तरफ रखा जाए और दूसरी तरफ उनकी रुबाइयात और कतात और नज़में रखी जाएं, तो गज़लियात का हजम जो है वो इतना है कि उसे आप बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और अकबर की जो गज़लें हैं वो अपनी पूरी बिल्कुल यानी गज़ल की जो रवायत है हमारी क्लासिकी रवायत गज़ल की, जिसमें पूरा एक कंटिन्यूशन, एक तसलसल है, जो वली और मीर और सौदा और मुसफ़ी और नासिख और आतश और गालिब मोमिन ज़ौक से होता हुआ दाग तक आता है, उसी तसलसल का वो बिल्कुल एक बहुत ही तवाना, बहुत ही ज़िंदा नमूना है उनकी गज़लियात का।
अफसोस की बात यह है कि अकबर की गजलों को, अब जैसा कि अभी आप लोगों ने, अभी फातमी साहब ने भी और आपने भी, अदील साहब ने दो तीन शेर आपने सुनाए, तो जाहिर है कि मैं तो खैर इस लिहाज से अपने को खुशकिस्मत समझता हूँ कि कम अज़ कम इस बहाने मुझे अकबर के कलाम को एडिट करते हुए अकबर का लफ्ज़ लफ्ज़ पढ़ने का मौका मिला और पूरा कलाम मैंने पढ़ा, और उसमें जाहिर है कि गलतियाँ बहुत थी, बहुत सारी चीज़ें सब जो एक ज़माने तक मिली जुली रही, पता ही नहीं चलता था कि इसमें रुबाई कहाँ है, कथा कहाँ है, फ़र्द कहाँ है, कहाँ गज़ल ख़त्म होती है, कहाँ से नज़्म शुरू हो जाती है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट ये था कि तमाम असनाफ को अलग करके एडिट किया जाए तो पता लगे कि भाई रुबाई कितनी है, कथा कितना है, नज़में कितनी है, फर्दियात कितने हैं, गज़लियात कितनी है। तो इस पूरे अमल में अकबर के कलाम को बिल इस्तेआब पढ़ने का जो मौका मिला मुझे, तो मुझे लगा कि अकबर की तंज मज़ा वाली शायरी जो है, जिस शायरी पर उनका, उनके तज़किरे का और उनके ज़िक्र की पूरी इमारत कायम है, और खैर सही है एक हद तक वो बात बिल्कुल ठीक है कि अकबर की पहचान जो है वो उनके तंजिया कलाम से और मजाहिया कलाम से है, बहुत इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अकबर के पूरे कलाम को अगर सामने रखा जाए, उनकी पूरी शायरी को सामने रखा जाए, तो तंज व मिजाज जो है वो उनके कलाम का एक हिस्सा है, ये पूरा नहीं है। अब जैसे यही जो आपने शेर पढ़ा कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, इसमें कौन सा तंज है भाई, इसमें कौन सा मजा है। पूरी पूरी गजलें जो है वो अपनी पूरी रवायत पर मबनी है, और रवायत के तमाम वो यानी तसव्वुरात और वो शेरी शेरी जो तकाजे हैं, शेरी जो फनी जो तकाजे हैं, उन तमाम चीज़ों की ऐसी गैर मामूली पाबंदी अकबर ने की है कि अकबर के गज़ल ही को अगर दूसरे गज़ल को शोरा के सामने रख दिया जाए, 20वीं सदी के बहुत से गज़ल को शोरा के सामने रख दिया जाए, तो मेरा ख्याल है कि कई शायर जो हैं उनकी दुकान बंद हो जाएगी अकबर की गज़लों के सामने। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ खैर कहने को बहुत कह दिया जाता है कि भाई अकबर के यहाँ काफिये और अकबर के यहाँ अंग्रेजी अल्फाज और बड़ा रवानी और बड़ी बर्जस्तगी, लेकिन इन चीजों को कभी तजिया करके नहीं बताया गया, दिखाया गया कि साहब अकबर के यहाँ जो तर्ज बयान है, जो कुदरत बयान है, ये कुदरत बयान और तर्ज बयान या तर्ज अदा जो है इसकी कुव्वत जो है वो कैसे उसके अंदर पैदा हुई है। वो अब जैसे मिसाल के तौर पर जो डार्विन का फलसफा है, यानी इवोल्यूशन वाली थियरी जो है, अब जाहिर है कि अकबर ने उस पर कई जगह चोट की है, और हमारी तहजीब में भाई हमारा अकीदा है, ठीक है साइंस ला कहे कि बंदर से इंसान हुए, लेकिन हम तो नहीं मानते, और वो भी एक थियरी है, ज़रूरी नहीं किसी थियरी का प्रैक्टिकली साबित हो जाना कोई ज़रूरी हो। तो अब अकबर ने उस ज़माने में, जाहिर है कि अकबर का ही वो ज़माना था, बिल्कुल नई नई जो थियरी आई थी, बड़ी शोहरत इसकी हुई, डार्विन साहब का बड़ा नाम हुआ। अब जरा देखिए कि पूरी मगरबी तहजीब की मादियत और उस मादियत के नतीजे में इंसानी अखलाक और इंसानी जो सिफात हैं, जो बनी नौ इंसान की बुनियाद है, जिन सिफात पर, जो अखलाक, जिस अखलाकियात पर, ख़ास तौर से उसमें रूहानियत का बहुत बड़ा हिस्सा है, वो किस तरह से पसपा हो जाती है, किस तरह से बर्बाद हो जाती, किस तरह से वो मुनहदिम हो जाती है इस मगरबी मादियत के नतीजे में। इस पूरे मसले को वो शख्स जो है वो एक दो मिसरों में कहता है कि या इलाही ये कैसे बंदर हैं, या इलाही ये कैसे बंदर हैं, इर्तका पर भी आदमी ना हुए। क्या बात है। अब मेरा सवाल ये है कि डार्विन के फलसफे पर या डार्विन के थियरी को रिजेक्ट करने का जो ख्याल है, ये अकबर ने कोई पहली बार थोड़ी बयान किया, भाई बहुत से लोग उसको रिजेक्ट करते हैं, लेकिन ये जो इस्तेदाद है, इसको जो अकबर ने फन बना दिया, शेर बनाया है, और उसमें आप जरा गौर कीजिए कि दूसरे मिसरे में अकबर जो है वो लफ्ज इर्तका इस्तेमाल कर रहा है, और वो जान रहा है कि थियरी ऑफ इवोल्यूशन को उर्दू में नजरिया इर्तका कहा जाता है, नजरिया तरक्की नहीं कहा जाता, वरना दूसरा मिसरा जो है अकबर इस तरह भी कह सकते थे कि या इलाही ये कैसे बंदर है, इस तरक्की पे आदमी ना हुए, अभी मिसाल बिल्कुल बराबर रहता, बिल्कुल ठीक रहता, शेर मुकम्मल होता और शेर का मजमून वही होता, सारी बातें वही होती। लेकिन ये आप देखिए कि ये आदमी जो है वो जिसको
जबान और बयान पर गैर मामूली कुदरत हासिल है और वो एक एक लफ्ज की अहमियत और उस लफ्ज के इंसलाकात और लफ्ज की जो कुवत है और उसकी जो बलागत है उसको वो आदमी जानता है कि जब हम इर्तका लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो ये मुनासबत के लिहाज से ये सबसे सबसे मुनासिब लफ्ज होगा, क्योंकि इससे डार्विन के लफ्ज तो आया नहीं शेर में और बंदर के लफ्ज से मजमून तो उधर हो गया, लेकिन इर्तका के लफ्ज ने रख करके अकबर ने ये शेर जो है इसको बलागत की आला तरीन मिसाल यानी बुलंदी पे पहुंचा दिया है कि इस इर्तका पर भी आदमी ना हुए, और जरा भी देखिए इर्तका पर भी आदमी ना हुई, इतनी तरक्की कर ली, इतना इर्तका हासिल हो गया, लेकिन आदमियत इनके अंदर नहीं आई। पूरी दुनिया को कत्ले आम यानी कत्ल कर रहे हैं, मार रहे हैं, बड़े बड़े हथियार बना रहे हैं, तो ऐसी तरक्की किस काम की। तो एक तो ये कि अकबर का जो मामला है वो देखिए, ये बात बिल्कुल फातमी साहब ने सही कही है कि हर शख्स को ये पूरी तरह आज़ादी होती है कि वो दुनिया के बारे में जो दुनिया में जो कुछ हो रहा है सियासी सतह पर समाजी सतह पर उसके बारे में अपनी वो राय रखे, और वो राय जो है उसकी साहिब भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, थोड़ी बहुत सही हो सकती है, थोड़ी बहुत गलत हो सकती है, तो इसमें तो कोई बात नहीं। लेकिन जो बुनियादी बात यह है कि आज तो मैं समझता हूं कि अकबर ने जिन ख्यालात का इजहार किया अपनी शायरी में, उन ख्यालात का साहिब होना आज 2021 में, और बल्कि आज से 20 25 40 साल 30 साल पहले से ही हम लोग सब देख रहे हैं कि अकबर ने जिन जिन अंदेशों की तरफ इशारा किया था वो अंदेशे उससे ज्यादा खतरनाक सूरत में आज हमारे सामने मौजूद है। अब इससे बड़ी अकबर की मानवीयत क्या होगी? ये मौजूदा तरीके राहिए मुल्के अदम होंगे, नई तहजीब होगी और नए सामा बहम होंगे, न खातूनों में रह जाएगी पर्दे की ये पाबंदी, न घूंघट इस तरह से हाजबे रुए सनम होंगे। अब ये सब पूरी यानी एक एक शेर में जिन जिन बातों का अकबर ने जिक्र किया है अपनी खुली आंखों से हम आज अपने सामने देख रहे हैं। ठीक है, पर्दे के बारे में है ख्याल कि भाई पर्दा कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये ठीक है, इसके इसमें ये कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन अकबर का ये देखिए कि उस आदमी की दूरंदेशी और दूरबीनी कि वो वहां 100 साल पहले 125 साल पहले वो आदमी उससे अंदाजा लगा रहा है कि आगे जा करके क्या होगा। और जिस पर मैं ज्यादा जोर देना चाहता हूँ जिस बात पर, वो ये है कि अकबर की जो पूरी रवायत कदामत परस्ती का लफ्ज तो मैं बहुत नामुनासिब समझता हूँ अकबर के लिए, कदामत परस्ती से ज्यादा मुनासिब लफ्ज है रवायत पसंदी कहना। परस्ती का लफ्ज भी इसलिए कि परस्ती में बहरहाल वो परस्तिश कहा जाता है मामला, तो बल्कि रवायत परस्त या रवायत पसंद, और रवायत पसंदी जो है अपने मुस्बत मानी में। और आप देखिए कि अनीसुर रहमान साहब हम सबसे बेहतर जानते हैं भाई, वो अंग्रेजी के उस्ताद हैं, अंग्रेजी तहजीब को जिस तरह उन्होंने देखा है हम लोग, लेकिन इतना तो हम जानते हैं कि हमारी जो पूरी मशरकी तहजीब है जिसमें जाहिर है हिंदुस्तान की कदीम जो पूरी रवायत है और फिर हमारे अरबी और ईरान और अरब की जो सारी रवायात मिल करके जिसको हम अपनी रवायत कहते हैं, उसमें रूहानियत का या अखलाकियात का जो जो मनसब है या उसकी जो जो मानवियत है या उसकी जो अहमियत है, वो उसके मुकाबले में मेरा ख्याल ये है कि शायद मगरिब में ऐसी मानवियत रूहानियत की, या ठीक है वहाँ भी मिस्टिसिज्म वगैरह रहा है, लेकिन हमारी रवायत के अंदर ये जो जो इसका इसकी हैसियत जौहर की है, और खास तौर से अकबर जिस जमाने में मगरिब को देख रहे थे उस जमाने में तो मगरिब जो है बिल्कुल रूहानियत से आरी हो गया था। वहां तो ये सब था कि भाई कुछ नहीं, असल चीज तो बस ये दुनिया है और नेचर है और जो कुछ हमें कायनात में नजर आ रहा है ये है, इसके साथ चलो। तो उन्हीं चीजों ने मगरिब को जाहिर है कि तरक्की की उस मंजिल तक पहुंचाया जिसमें इंसानियत कोई मानी नहीं रखती, रूहानियत कोई मानी नहीं रखती, असल चीज जो है वो पावर है, ताकत है। उस ताकत को हासिल करने के लिए लाखों लोगों को तह तेक कर देना हो तो उसके लिए उनको उनके पास कोई वो नहीं है। अब आप हम सब देखते हैं कि 20वीं सदी के निसफ अव्वल में मगरबी तरक्की ने क्या क्या जुल्म ढाए हैं पूरी दुनिया पर, पूरी इंसानियत पर, वो हमारे सामने है।
तो अकबर अगर ये कह रहे हैं कि भाई वो तहजीब या उस तहजीब के लाई हुई बहुत सी चीजें जो हमें बज़ाहिर तो बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं, बड़ी बड़ी चार्मिंग है, बहुत हम उसकी तरफ वो होते हैं और बहुत से लोग उसकी तरफ बढ़ भी रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो हमारे हमारी रवायत और हमारे मिजाज और हमारे हमारी तहजीब से मेल नहीं खाती। हमारी तहजीब जिन चीज़ों पर कायम है उसका कायम रहना और उसकी तरजीही सूरत हमारे सामने होना ये ज़रूरी है। तो अकबर का मामला जो यही था कि अब जैसे ये जो मतला भी आपने सुना, इस मतले के कि मज़मून में भी वही बात है कि हमारे यहाँ दुनिया कोई मानी नहीं रखती। हमारी शेरी रवायत में, हमारी तहजीबी रवायत में तो ऐसे ऐसे शेर कहे गए हैं कि जिसमें दुनिया को, अब आप ज़रा सुन लीजिए, फारसी में शेर है ग़ुलाम अली आज़ाद बिलग्रामी का, क्या उमदा शेर है कि ज़दा हम बरसरे जहाँ पापोश, ज़दा हम बरसरे जहाँ पापोश, बेसबब ही पर रहना पाई नेस्त। हमने दुनिया के सर पे अपना जूता मार दिया है, इस वजह से मैं नंगा हूं, मैं नंगे पैर हूं। तो दुनिया के बारे में अमीर के और गालिब के बहुत से अशआर ऐसे हैं कि हमारी रवायत ही में यह है कि दुनिया जो है ऐसी जगह ही नहीं कि उसे दिल लगाया जाए। तो वही वही तो यहाँ अकबर भी कह रहे हैं कि दुनिया में हूं लेकिन दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं खरीदार नहीं हूं। तो अब जरा सोचिए कि जिस रवायत में दुनिया की कोई अहमियत ना हो, जिस रवायत में आखिरत का तसव्वुर हो, इंसानी ताल्लुकात का तसव्वुर हो, इंसानी हमदर्दी का तसव्वुर हो, दूसरे के लिए मर मिटने का तसव्वुर हो, एक तरफ ये तहजीब है और दूसरी तरफ मगरबी तहजीब है कि वहाँ जो है अपने को कायम रखो, दूसरे को बर्बाद कर दो, दूसरी कौमों को तहतेक कर दो, दूसरी कौमों को महकूम बना लो, उनको उन पर जितना जुल्म जबर करो सब जस्टिफाइड है। हमारी पावर, हमारा हमारी तहजीब, हमारी ताकत यही वैलिड है और दुनिया में और सब जो है बर्बाद है। तो आज 100 साल गुजरने के बाद भी अकबर की वफात की आज भी फर्स्ट वर्ड और सेकंड वर्ड और थर्ड वर्ड का तसव्वुर है, बताइए भाई फर्स्ट वर्ड आप क्यों? आप जरा ये देखिए, हमारे जहनों में ये बिठाया गया कि साहब शेक्सपियर और मिल्टन वगैरह जो है ये बहुत बड़े शायर हैं, काश हमारे मीर और गालिब उतने बड़े शायर होते। अरे हम ये भी तो कह सकते थे कि साहब मिल्टन और शेक्सपियर बहुत बड़े शायर हैं, काश ये लोग हमारे मीर और गालिब के बराबर होते। क्या बात, अगर हम ये कहें, अगर हम ये कहें तब ये समझ में आएगा कि हम अपनी तहजीब अपनी रवायत पर कितने मुस्तहकम हैं। अकबर अकबर वो आदमी है कि वो हमें यही इसी एहसास को पैदा करना चाहता है। आप लोग जिस तहजीब को बहुत अच्छी नजर से देख रहे हैं, उस तहजीब की ये खामियां हैं और हमारी रवायत जो है वो हम अपनी रूहानियत के और अखलाकियात के और इंसानी जो आला अकदार हैं हमारी बुनियाद उस पर टिकी हुई है। हम अगर उससे ज़रा भी इधर उधर हुए तो समझ लीजिए कि हम कहीं के ना रहेंगे। ये है अकबर का मामला। तो ख्याल है कि अकबर के ताल्लुक से पूरी हमारे फातिमा साहब ने सही कहा कि अब ठीक है भाई, इतने मशहूर शायर थे, उनका कलाम इतना छपा उनके ज़माने में और उनके वफात के बाद भी कि उसकी मकबूलियत का और उसकी शोहरत का कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। इतने एडिशन उनके छपे हैं खुद अकबर की ज़िंदगी में और अकबर की ज़िंदगी यानी इंतकाल के बाद। तो अब जाहिर है कोई शायर जब इतना मकबूल हो रहा है तो हम कैसे कहें, अब उसके बारे में हम कहेंगे साहब वो शायरी नहीं है, वो मामूली शायर है, तब भी लोग हंसेंगे कि भाई आप क्या बात कर रहे हैं। तो हमें तो ये कहना ही था कि भाई अकबर जो है नहीं अकबर अच्छे शायर हैं बहुत, लेकिन वह घुमा फिरा करके अरे भाई वो तंजिया मजाहिया शायर हैं। और आप ये भी देखिए कि इतना हजम है अकबर के कलाम का, उनके निसाब में भी अक्सर ले दे करके सिर्फ वही 2-3 बस नज़में वही पढ़ाई जाती हैं, उनकी गज़लों को कभी पढ़ाया नहीं गया, उनकी गज़लों को कभी पढ़ाया नहीं गई, बस बहसियत गज़ल को तो अकबर को कहीं इंट्रोड्यूस ही नहीं किया गया, जबकि उनके 4 हिस्से हैं उनके कलाम के, बल्कि एक एक हिस्सा उसको हिस्सा ही कहा, एक तरह से दीवान कह लीजिए जो भी कह लीजिए, हर हिस्से में यानी बाकायदा अच्छी खासी तादाद जो है वो गज़लों की है, लेकिन उनके गज़लों की तरफ से कोई वो नहीं। रुबाइयात और कतात और उसमें जो फनकारी है वो तो यानी गैरमामूली है। फिर तज़मीन जो उन्होंने की है और लफ्ज़ों का ऐसा इस्तेमाल किया है, सिर्फ ये कह देना काफ़ी नहीं कि अकबर काफ़िए के बादशाह हैं, आप कोई बताना तजिया करके बताइए कि काफ़िए का इस्तेमाल अकबर के यहाँ जो हुआ है तो कैसे उसमें इतनी बड़ी खूबी पैदा हुई, ये बताना पड़ेगा ना, तो ये हमारे यहाँ हुआ नहीं। तो बहरहाल ये मैं समझता हूँ कि अब 100 साल के बाद पैदाइश से देखा जाए तो 125 हो गए, 175 साल,
और वफात से देखा जाए तो 100 साल, तो इतने अरसे के बाद अगर अकबर पर, और इसमें कोई शक नहीं कि इधर अकबर को बहुत पॉजिटिव अंदाज में सामने रख करके अकबर को और उनके कलाम को अगर किसी ने देखा है तो इसमें फारूकी साहब, इसमें कोई शक ही नहीं है कि फारूकी साहब ने अकबर को जिस पर्सपेक्टिव में रख करके देखा उससे यह है कि अकबर के तई लोगों का रवैया जो है वो जरा तब्दील हुआ और लोगों को यह हुआ कि अकबर जो है सिर्फ तंज मजाक के शायर नहीं है बल्कि उनके कलाम में बहुत सी ऐसी खूबियां हैं कि उन खूबियों की तरफ लोगों ने तवज्जो ही नहीं की। उनके अफकार और ख्यालात वो सब अपनी जगह हैं, लेकिन वो अफकार और ख्यालात शायरी बनकर के जिस तरह हमारे सामने आए हैं उसमें अकबर की जो शायराना हैसियत है वो गैर मामूली है। ये चंद बातें थी मुझे, कोई शक व शुबा नहीं। एक और बहुत ही जामे और मुकम्मल गुफ्तगु अकबर अलहबादी पे आपने अभी देखी और सुनी। प्रोफेसर अहमद महफूज साहब जो हैं क्या अच्छी गुफ्तगु कर रहे थे। ये जो दामन वक्त है साहब, ये इसमें गुंजाइश करनी पड़ती है क्योंकि ये तो वो डिस्कशन है कि इसमें एक घंटे में तो सिमट नहीं सकेगी गुफ्तगु। हमारे मोहम्मद राशिद शेख साहब जो है फोन पे हैं, तो मैं चाहूंगा कि उनकी तरफ चलते हैं इससे पहले कि उस फोन की आवाज में कुछ कमी हो जाए, और दो शेर इससे पहले उन तक पहुंचने में थोड़ा सा हम चाहते हैं कि गुफ्तगु थोड़ी सी बहुत ज्यादा संजीदा गुफ्तगु हो रही है अभी तक, और अकबर इलाहाबादी की शख्सियत के बड़े पहलू हैं। मजरू सुल्तानपुरी साहब का पूरा शेर नहीं पढ़ूंगा, एक मिसरा काफी है, उनकी जिंदगी के वो भी थे, बल्कि एक कौल अज़द अली का ये भी है कि भाई ये मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा। तो ये पहले कह देता हूँ मिसरा बात को है मजरू सुल्तानपुरी का, कि चाक किए हैं हमने अजीजो चार गरीबा तुमसे ज्यादा। बस ये इतना काफी है, बाकी आप लोग अकबर इलाहाबादी पे अथॉरिटी हैं। तो एक बड़ी बैलेंस्ड लाइफ उन्होंने गुजारी और बहुत ही मॉडर्न इंसान थे अपने वक्त में, और जो उनके ख्यालात थे वो आप सबके सामने हैं। तो शेख साहब इन दो मिसरों के साथ आप तक आते हैं कि मैं भी होटल में पियो चंदा भी दो मस्जिद में। जी जी, शेख भी खुश रहे शैतान भी बेजार ना हो। जी हाँ बिल्कुल, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझ तालिब इल्म को भी ये मौका दिया कि कुछ अर्ज करूँ। बड़े बड़े अहले इल्म आज की महफिल में मौजूद हैं। तो सबसे अकबर को मैं बचपन से पढ़ रहा हूँ और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि अकबर को समझने में, यानी पूरे अकबर को, हमारे यहाँ बहुत से लोगों ने गलत फहमी हुई और गलती की है, और वो ये समझते हैं कि अकबर एक तो सिर्फ और सिर्फ तंज मिजाक के शायर हैं, और इस सिलसिले में अगर उन्हें कुछ याद रहता है तो सिर्फ ये चंद अशार अकबर के, मसलन बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, या खा डबल रोटी की लड़की कर खुशी से फूल जा, या कहा मजनू से ये लैला की माँ ने, और इस तरह के। लेकिन इस सिलसिले में मेरी नाचीज राय में जब तक के अकबर के पूरे कलाम को ना पढ़ा जाए, और अकबर की जितनी नसरी तहरीरें उनको ना पढ़ा जाए, ये जान ही नहीं सकते कि अकबर थे क्या। बिल्कुल। और अकबर क्या थे, इस सिलसिले में मैं यहाँ अल्लामा इकबाल की एक तहरीर का हवाला दूंगा जो अकबर के इंतकाल के बाद अल्लामा इकबाल ने उनके साहबजादे इशरत हुसैन को एक खत लिखा। उसमें ये जुमला उन्होंने लिखा कि इस्लामी अदीबों में तो शायद आज तक एक ऐसी नुक्तरस हस्ती पैदा नहीं हुई, और मुझे यकीन है कि तमाम एशिया में किसी कौम की अदबियात को अकबर नसीब नहीं हुआ। कैसी गैर मामूली बात कही वाकई। जी हाँ, फितरत ऐसी हस्तियां पैदा करने में बड़ी बखील है,
जमाना सैकड़ों साल गर्दिश खाता रहता है, तब जाके एक अकबर हाथ आता है। वाह 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 वाह, ये अल्लामा इकबाल कह रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये कि अल्लामा इकबाल उन्हें अपना मुर्शिद मानवी कहते थे, और अल्लामा इकबाल की वालदा मरहूमा का जब इंतकाल हुआ तो अल्लामा इकबाल ने, उनका इंतकाल हुआ है 9 नवंबर 1914 को, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अकबर से दरखास्त की कि मेरी वालदा मोहतरमा के लोहे मजार के लिए अशार आप कहें। तो आपको खुशी होगी कि जो अशार अकबर ने कहे और उनके लोहे मजार पे कंधा कराए गए वो आज तक महफूज है। वो फारसी में उन्होंने कहा था कि मादरे मखदूमाए इकबाल रफ्त रफ्त सूए जन्नत जी जहाने बेसबात गुफ्त अकबर बादले पुरदर्द गम रहलते मखदूमा तारीख वफात। ये रहलते मखदूमा से उनकी हिजरी तारीख वफात बरामद हो। सही, तो अल्लामा इकबाल की नजर में अकबर का ये मकाम था। दूसरी शख्सियत जिनकी मैं मिसाल दूंगा वो थे प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी। उन्होंने अलीगढ़ मैगजीन के अकबर नंबर के लिए एक मजमून लिखा था, और रशीद अहमद सिद्दीकी अलीगढ़ और सर सैयद के बहुत बड़े आशिक थे। उन्होंने जिंदगी अलीगढ़ में गुजारी, वहां से जाना और वहीं पढ़ाया और वहीं इंतकाल हुआ। उस मजमून में एक जुमला उन्होंने लिखा है कि अकबर सैयद से ज्यादा देखते थे और सैयद से ज्यादा दूर तक देखते थे। क्या बात। अब ये जुमला इस कदर अहम है, जब तक के प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में हम ना जाने कि वो क्या थे और उनका अलीगढ़ और सर सैयद से क्या ताल्लुक था, और उसके बावजूद वो अकबर को एजाज दे रहे हैं। बात यह है कि अकबर को हमने, ये अकबर के साथ बड़ी ज्यादती की और खुद अपने साथ भी, कि उनको सिर्फ तंज व मिजाह का शायर करार दिया, या ये कि जी वो तो जदीद तहजीब के खिलाफ है, या वो सिर्फ मोटर कार की जगह ऊंट वो चाहते हैं कि ऊंट पे बैठे मुसलमान। ये बिल्कुल गलत है। अभी इस हवाले से मैं चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अकबर का एक शेर है कि वो चीजें जिनसे कौमें हो रही हैं नामवर सीखो, उठो तहजीब सीखो, फलसफा सीखो, हुनर सीखो। वाह 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 वाह। अब इस शेर में ये जो हुनर का लफ्ज है, ये मेरी नाचीज राय में बड़ा गहरे इसके मानी है। अगर हुनर को आज की दौर के लिहाज से आप टेक्नोलॉजी करार दें, तो ये अकबर का ये शेर आज भी 100% यानी सही साबित होता है, और इसको बुनियाद बना के हम तरक्की कर सकें। अब ये हुनर के लफ्ज के हवाले से दो अशार और पेश करता हूँ। अकबर फरमाते हैं कि अज़्म कर तकलीद मगरिब का हुनर के जोर से, यानी वो मगरिब की तकलीद के खिलाफ नहीं है। वो चाहते हैं कि मगरिब ने जो तरक्की की है, जो साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ा है, उसका हम अज़्म करें, लेकिन उनकी नक्काली के जोर से नहीं, उनकी तरह बड़े बाल या बड़े बेल बॉटम पहन कर नहीं, बल्कि हुनर के जोर से। तो मैंने अर्ज किया ना, इसको अगर टेक्नोलॉजी करार दें, अज़्म कर तकलीद मगरिब का हुनर के जोर से, लुत्फ क्या है लद लिए मोटर पे जर के जोर से। वाह वाह वाह। और इसी गजल के दो एक शेर और है, गैर मुल्कों में हुनर को सीख तकलीफें उठा, रोकते हैं वो अगर अपने असर के जोर से। यानी अकबर तो ये नसीहत कर रहे हैं कि अगर यानी अंग्रेज आपको रोक रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप हुनर दूसरे ममालिक से सीख सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है वह जाए मेहनत करें तकलीफें उठाएं। तो यही वो तरक्की का रास्ता है जो अकबर हमें दिखाते हैं, और इन अशार से भी साबित होता है कि अकबर जदीद टेक्नोलॉजी या जदीद तालीम या जदीद तहकीकात के खिलाफ हरगिज नहीं थे। हाँ, ये जरूर है कि वो चाहते थे कि जदीद साइंस भी में आगे बढ़े, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े, लेकिन मुसलमान बन के हम अच्छे या बुरे जैसे भी हैं, बहरहाल हम मुसलमान हैं।
और वो चाहते थे कि जो मुसलमानों में खासतौर पर इस बरे सगीर पाक हों इनके मुसलमानों की एक तहजीब है, एक अकदार है, एक अखलाकियात है, उनको कुर्बान ना किया जाए, उनको बरकरार रखा जाए, उनको बरकरार रख के भी मुसलमान तरक्की कर सकें। और एक और शख्सियत हमारे माजी की, मौलाना सैयद सुलेमान नदवी साहब का एक जुमला गुज़िश्ता दिनों मैंने पढ़ा और उस जुमले से अंदाजा होता है कि अकबर ने किस कदर हिम्मत का सबूत दिया था। बहुत से लोगों को ये गलत फहमी है, वो कहते हैं कि जी अकबर अगर खिलाफ थे तो उन्होंने अमली इकदाम क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हर शख्स अमली के मैदान में या सियासत के मैदान में दाखिल नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे हैं जो फिक्रो फलसफा के मैदान में भी दाखिल होते हैं और एक तवील अरसे तक अपने असरात छोड़ जाते हैं। अकबर ऐसी ही शख्सियत का नाम है। तो वो यही चाहते थे कि इस मुसलमान और बड़े सगीर के लोग तरक्की जरूर करें, लेकिन अपने दीन और मजहब को, अपनी अखलाकियात को, अपनी आला अकदार को कुर्बान ना करें। इसलिए कि अगर वो कुर्बान करके तरक्की करेंगे तो वो कोई तरक्की माकूस तो कहा जा सकता है, वो दुरुस्त राह में नहीं होगी। अच्छा, जहां तक इस अकबर की नुक्ता आफरीनी का ताल्लुक है, और अभी प्रोफेसर अहमद महफूज साहब ने डार्विन के नजरिए इर्तका का जिक्र किया, तो एक शेर उन्होंने सुनाया कि या इलाही ये कैसे बंदर हैं, इर्तका पर भी आदमी न हुए। क्या बात। तो इस हवाले से एक शेर मुझसे भी सुनिए। अकबर ने कहा था कि डार्विन साहब हकीकत से निहायत दूर थे। डार्विन साहब हकीकत से निहायत दूर थे, मैं न मानूंगा कि मोरिस आपके लंगूर थे। मैं न मानूंगा। क्या उम्दा कहा है। हाँ, यानी अकबर ये कह रहे हैं कि ये तो यानी मुमकिन ही नहीं कि मैं मानूं कि मेरे मोरिस बंदर थे, मैं तो ये भी नहीं मानने को तैयार हूँ कि आपके मोरिस भी बंदर थे। वो डार्विन से कह रहे हैं। अब ये हिम्मत और ये नुक्ता आफरीनी और ये, लेकिन बदकिस्मती से अब क्या कहा जाए, 100 साल हो गए और मैं तो इस नतीजे में पहुंचा हूं कि हमारे यहाँ जो उर्दू के असातिजा या मुहक्किकीन है उन्होंने भी अकबर के साथ बड़ी ज्यादती की है। यानी अकबर का कलाम और अकबर की नसर इस काबिल है कि जिसके एक एक लफ्ज को महफूज किया जाए, उसकी शरहें लिखी जाए और उस पर काम हो, उसके लिए इशारिये तैयार किए जाए, लेकिन अफसोस है कि कोई काबिल कदर काम नहीं हो सका गुज़िश्ता 100 साल में। और अकबर की शायान शान ना तो उनकी अब तक कोई सवाने लिखी गई है, ना अकबर के कलाम को उनके शायान शान तरतीब दिया गया है। जो मेहनत की सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर अहमद महफूज साहब ने की है। अब तक ये हो रहा था कि अकबर की जिंदगी में जो उनकी कुलियात की 3 जिल्दें शाया हुई और 1 सन 48 इसमें कराची से शाये, सारे नाशरीन ने उन्हीं को जमा करके कुलियात का नाम दे दिया। हालांकि उनकी उसकी हर जिल्द में मुख्तलिफ असनाफ सुखन है, उसमें नज़में भी हैं, उसमें गजलें भी हैं, उसमें रुबाइयात भी हैं, उसमें कतात भी हैं, फर्दियात भी हैं। ये पहली दफा अहमद महफूज साहब ने मेहनत की फारूकी साहब की निगरानी में, और ये काबिल मुबारकबाद है। और हमारी दुआ है कि इस सिलसिले की चौथी जिल्द भी शाया हो जाए इंशाल्लाह। तो अच्छा, अकबर के, अब देखें इकबाल के कलाम की कितनी शरह आपको मिलेंगी। अकबर के कलाम की कोई अब तक मुस्तंद शराह नहीं है। अगर एक मुख्तसर शरह है तो वो कोई 50-55 साल पहले लाहौर से शाया हुई थी, प्रोफेसर यूसुफ सलीम चिश्ती साहब, और उस किताब का नाम है शरह मुश्किलात और शरह तलमीहात अकबर। अब वो भी नायाब, वो भी दोबारा शाया नहीं। तो ना तो अकबर की सवाने शाया हो सकी है, ना अकबर के कलाम को सलीके से महफूज किया गया अब तक, ना अकबर के कलाम की शरह शाया हुई है,
और ना ही अकबर की नसरी खिदमात पे कोई मुनासिब काम हो सकता है। और मेरी नाचीज राय में इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अकबर को सिर्फ और सिर्फ तंज व मिजाज का शायर करार दिया गया, जो अकबर के साथ मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी ज्यादती है। इस राशिद भाई, इस गम में हम बराबर के शरीक हैं आपके साथ, वो सिर्फ तंज व मजाक के शायर नहीं थे। आपका खता कलाम हो रहा है, चाहूंगा कि आप थोड़ा सा बताइए खतूत अकबर के बारे में कि आपकी वो किताब और हम वो बहुत अहम बात है भाई, बहुत बड़ा काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल, और हम ये भी चाहेंगे कि जो इन्होंने महफूज की तीन जिल्दों में अकबर की कुल्लियात जनाब अहमद महफूज साहब ने, कि इन किताबों को कैसे हासिल किया जाए, कहाँ से दस्तयाब हैं ये? देखिये अहमद महफूज साहब की कुल्लियात तो कौमी कौंसिल ने दिल्ली से शायद की है, लेकिन अब उन कुल्लियात में भी एक कबाहत यह है कि नाशिर ने एक सफे पे उर्दू रस्म अल-खत दिया है और उसके सामने वाले सफे पे देवनागरी है। उन तीनों जिल्दों में ये मसला है। सही। तो लेकिन बहरहाल वो ठीक भी हो सकता है। अब उस वो दिल्ली से दस्तियाब है और कहीं ये दस्तियाब नहीं है महफूज साहब की कुल्लियात। दिल्ली में अगर है तो वहां से आ सकती है। हाँ, कौमी काउंसिल से मंगाई जा सकती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, खतूत के बारे में फरमाइए राशिद भाई। जी जी, खतूत के हवाले से मैं अर्ज करूं कि ये मैंने जो किताब ये शाया हुई है इसी साल इब्तदा में, इसका नाम है मजमुआ मकातिब अकबर, और बहुत से लोग इसको कुल्लियात मकातिब अकबर कहते हैं, लेकिन मैं इसके खिलाफ हूँ। उसकी वजह यह है कि अकबर के खतूत गुज़िश्ता कोई 13-14 साल से मैं जमा कर रहा हूँ, और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि जितने भी खतूत जमा कर लिए जाएं उसके बाद एक नई इत्तला मिलती है कि भाई अकबर के ये खतूत यहाँ महफूज हैं। तो कुल्लियात तो उस वक्त होगी जब सारे खतूत, लेकिन हमने जो काम किया है वो ये कि अकबर के इस किताब में तकरीबन 1400 मतबुआ और गैर मतबुआ खतूत शामिल किए। बहुत बड़ा काम। अच्छा, इन खतूत में हमने एक वजाहत भी की है कि वो कौन कौन से मकामात थे जहां अकबर के खतूत महफूज थे और जाया हो गए या हमारी दस्तरस में ना आ सके। तो इस किताब में जो खतूत के जिन हजरात के नाम अकबर ने खतूत लिखे उनकी तादाद कोई 65 है, और आपको हैरत होगी कि हमने बड़ी कोशिश की लेकिन अल्लामा इकबाल के नाम अकबर के सिर्फ 6 खतूत हासिल कर सके, हालांकि उनके 100 से जायद खतूत आज तक लाहौर में महफूज हैं, लेकिन वो शाया नहीं हो सके इसलिए कि वो जिन साहब के पास थे वो किसी को देते नहीं थे, दिखाते नहीं थे। अब उनके पोते हैं वो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ शाया हो जाए, लेकिन हुआ ये कि ये खतूत अकबर का आगाज अलीगढ़ में एक बुजुर्ग थे प्रोफेसर मुख्तारुद्दीन अहमद साहब, जो उर्दू अरबी और फारसी के बड़े स्कॉलर थे, उनसे हमारा बराबर रब्ता था। उन्होंने अलीगढ़ मैगजीन में ये खतूत अकबर खुद जमा करके शाया कराए थे, उसके बाद भी वो कोशिश करते रहे, लेकिन हुआ ये कि वो अधूरा काम छोड़ गए, और जो हिस्सा उन्होंने कंपोज कराया उसमें प्रूफ की बहुत सी अगलात थी, वो प्रूफ रीडिंग भी नहीं हो सकी। बहरहाल हमने ये किया कि जहां जहां से उन्होंने वो खतूत हासिल किए थे, उन्होंने कोई 750 खतूत हासिल किए थे, उन मकामात से हमने ओरिजिनल खतूत हासिल किए। मसलन कराची में जिस जगह अकबर के खतूत और अकबर का कलमी कलाम आज तक महफूज है, वहां हम 4 साल मेहनत करके पहुंचे बड़ी मुश्किल से, और वहां से उन सारे खतूत के फोटो हासिल किए और उनका जो कलमी कलाम है उसके भी फोटो लिए। और अब अकबर का इमला पढ़ना भी एक बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन वो बरसा बरस पढ़ते रहे। अहमद महफूज साहब की भी रहनुमाई हासिल रही, और मुझे खुशी है बताते हुए कि शम्सुर रहमान फारूकी साहब ने भी कई ऐसे मकामात आए जो हम पढ़ने में नहीं आ रहे थे, और उन्हें रहनुमाई फरमाई कि यहाँ ये है।
तो इस तरह कोशिश करके इस किताब में अल्हम्दुलिल्लाह कोई 1400 खतूत हासिल कर लिए, और इन खतूत इस किताब की इशात के बाद मजीद खतूत का सुराग मिला है, तो इंशाल्लाह वो दूसरे एडिशन में शाया होंगे। दरअसल हमने अभी अर्ज किया ना कि अकबर की ना तो शायरी पर पूरी तवज्जो दी गई है और ना ही नसर निगारी। अकबर के हवाले से बहुत से मैदान अभी तक खाली हैं, और अल्लाह करे कोई बाहिम्मत महक्किकीन आगे आए और इन मैदानों में काम करें। अब एक छोटी सी मिसाल अर्ज करूं कि अकबर ने एक अंग्रेजी किताब का तर्जुमा किया था, और 1884 में जब वो अलीगढ़ में थे उन्होंने खुद छपवाया था। ये अंग्रेजी किताब है ब्लंट की, द फ्यूचर ऑफ इस्लाम, और इसका तर्जुमा है इस्लाम की हालत आइंदा। ये अकबर ने कुछ अहबाब के ताउन से महदूद तादाद में शाया कराया था, और उनमें सर सैयद भी शामिल थे, और उन्होंने चंदा भी दिया था इसकी अखराजात के लिए। वो किताब बिल्कुल नायाब हो गई है, पाकिस्तान में सिर्फ एक लाइब्रेरी में थी और वहां भी अब वो मौजूद नहीं। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसकी PDF हासिल की है। तो इस तरह के और बहुत से काम जिन पर यकीनन तहकीक होना चाहिए, और मजीद इसी तरह अकबर के कलाम में जो खूबियां हैं उन पर अभी तक मुनासिब अंदाज से तहकीक नहीं हो सकी। अब मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल अर्ज करता हूं, अकबर जो अल्फाज का इस्तेमाल करते थे अपने अशार में वो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कहते हैं ना अंगूठी में हीरा जड़ा हुआ होता है, उस लफ्ज को आप हटा नहीं सकते वहां से, अगर हटाएंगे तो यूं समझे कि उस शेर की जान निकल जाएगी। और अकबर की जहानत ये कि वो अंग्रेजी अल्फाज का इस कदर उमदगी से इस्तेमाल करते थे कि हैरत होती है कि वाकई। अब एक मिसाल मैं अर्ज करूं कि बड़े बड़े मसाइल को अकबर बहुत ही आसान अल्फाज में हल कर देते थे और आदमी का जहन क्लियर हो जाता। अब बहुत से लोगों की समझ में ये नहीं आता कि ये दुनिया क्या है और आखिरत क्या है, इस पर पूरी पूरी किताबें लिखी हैं लोगों ने, लेकिन अकबर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो आज के दौर में भी पूरी तरह राइज हैं और आम आदमी समझ। अकबर का एक शेर है कि दुनिया और आखिरत का रिलेशन समझो, दुनिया और आखिरत का रिलेशन समझो, इसको कॉलेज तो उसे कॉन्वोकेशन समझो। वाह, इसको कॉलेज तो उसे कॉन्वोकेशन समझो। अकबर का कमाल देखें, पहले मिसरे में अंग्रेजी लफ्ज इस्तेमाल किया रिलेशन, और दूसरे मिसरे में कॉन्वोकेशन। अब किस कदर आसान है आज का तालीम में आता शख्स अगर सिर्फ इस शेर को ही पढ़ ले तो उसका जहन बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि दुनिया क्या है और आखिरत क्या है। बेशक, बेशक, ये नुकता आखिरी नहीं, लेकिन अब अकबर के साथ और जो ज्यादतियां हुई हैं जो मैंने पहले भी एक तकरीब में अर्ज किया कि अकबर का गैर मतबूआ कलाम इसी कराची शहर में महफूज था 1977 तक, किसी ने उसकी नकल नहीं ली, वो जाया हो गया, और अभी वो बुजुर्ग भी जिंदा हैं जिनके पास वो कलाम महफूज था। तो इस तरह अकबर के हवाले से बहुत से, अब अगर अकबर पे पाकिस्तान में कहीं PhD हुआ है तो सिर्फ सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद जकरिया साहब ने किया है, लेकिन उनके मकाले में भी बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन पे नजर सानी की जरूरत है। तो ये बहुत से पहलू ऐसे हैं, और इसी तरह अकबर के खतूत पे मुझ नाचीज ने कुछ ना कुछ काम किया। अब अकबर के खतूत की अहमियत के हवाले से मैं अल्लामा इकबाल के एक खत का हवाला देना चाहता हूँ जो उन्होंने अकबर को लिखा था। उसमें अल्लामा इकबाल अकबर को लिखते हैं कि आपके खतूत जो मेरे पास सब महफूज हैं बार बार पढ़ा करता हूँ, और तन्हाई में यही कागज मेरे नदीम होते हैं। कई दफा इरादा किया कि आपकी खिदमत में इस्तदा करूं कि खत जरा लंबा लिखा कीजिए, मगर मैं खुद खत लंबा लिखने से घबराता हूं, फिर मेरा कोई हक नहीं कि आपको लंबा खत लिखने की जहमत दूं, ये एक तरह की रूहानी खुदगर्जी होगी जिसका इरतिकाब मेरे नजदीक गुनाह है।
ये एक खत में, दूसरे खत में उनके खतूत के हवाले से लिखते हैं कि आप आपके खतूत से मुझे नहायत फायदा होता है और मजीद गौर व फिक्र की राह खुलती है, इस वास्ते मैं इन खतूत को महफूज रखता हूँ कि ये तहरीरें नहायत पेश कीमत हैं और बहुत लोगों को इनसे फायदा पहुंचने की तवक्को है। क्या बात। इसी तरह और हजरात हैं जो अकबर के खतूत के हवाले से लिखे, उनमें एक मशहूर शख्सियत मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी भी हैं, जिन्होंने अकबर नामा या अकबर मेरी नजर में बड़ी अहम किताब है, यानी अकबर को समझने के लिए उस किताब का पढ़ना बहुत जरूरी है। तो वो अकबर के खतूत के हवाले से लिखते हैं कि अकबर नसब पर तवज्जा देते तो यकीनन एक नामवर अदीब होते, उनके हुस्न अदब और शगुफ्ता निगारी के नमूने इन औराक में शुरू से आखिर तक बिखरे हुए नजर आएंगे। छोटे छोटे जुमले, बात में बात पैदा करना, तवालत सकालत से बचना, पेचीदा तरकीबों मुगलक लफ्जों से एहतियात, बयान की सफाई, रवानी और सलासत, ये सब उनके कलम के खास जौहर है। ये मौलाना दरियाबादी ने लिखा है। तो मैं दोबारा यही अर्ज करूंगा कि अकबर के हवाले से बहुत से मैदान अभी खाली हैं, 100 साल हो गए, अल्लाह करे उन हमारी यूनिवर्सिटियों में हमारी जामियात में अकबर पे नए अंदाज से तहकीक हो और जिन पहलुओं पे अब तक का काम नहीं हुआ है उन पे हो, और वो बहुत से पहलू हैं जिन पर काम होना बाकी है। मुझ नाचीज ने मेहनत करके कोई 13-14 साल ये अकबर के मकातीब जमा किए हैं, और इंशाल्लाह अब इरादा है कि अकबर का जो कलमी कलाम है उस पर भी काम किया जाए। लेकिन हकीकत ये है कि अकबर की तहरीर पढ़ना इतना आसान भी नहीं, खासा मुश्किल है। बहरहाल जो हो कुछ हो सका वो किया और आइंदा भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। राशिद भाई आप ये फोन के जरिए शामिल हुए, हम सब आपके शुक्रगुजार हैं, और खास तौर पे प्रोफेसर अहमद महफूज साहब को, उन्होंने आप तक पहुंचाया और कहा कि आपको शामिल करें आज की इस गुफ्तगू में। अब अगले साहब जो वक्त है उसमें दो बड़ी अहम शख्सियात हैं हमारे, प्रोफेसर अनीसुर रहमान साहब हैं, जनाब इकबाल हैदर साहब हैं, और एक दफा फिर सिर्फ चाहूंगा कि आप दोनों हजरात जो हैं हमारे मोहतरम गेस्ट के इस पे भी थोड़ी रोशनी डालिए कि क्या अकबर का जो पैगाम है उसे हमें महदूद करना चाहिए कि ये पैगाम सिर्फ मुसलमानों के लिए था या पूरी इंसानियत के लिए था। जहां तक हम समझ पाए थोड़ा बहुत, जिसे यहाँ कहते हैं कि माई टू सेंट्स वर्ड नाचीज राय, कि पैगाम बहुत ही वसी है, बड़ा ब्रॉड है, और वो सिर्फ वो एक आलम इंसानियत के लिए पैगाम है, क्योंकि अकदार अच्छी जो है वो तो देखिए कि यूनिवर्सल फैक्ट है कि कोई इंसान आपको चोरी के लिए, बदकारी के लिए, कोई भी मजहब हो वो उसको प्रमोट नहीं करेगा। जो 10 कमेंडमेंट्स हैं वो 10 कमेंडमेंट्स तो वही हैं, दाउ शल नॉट वाले जो चीजें हैं वो तो सब में एक ही हैं। ये एक अलग बहस है, कभी फिर उठा रखेंगे इसको। इन दो तीन शेरों के साथ आगे चलते हैं साहब, कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। और यही अकबर हैं जो कहते हैं कि इलाही कैसी कैसी सूरतें तूने बनाई हैं, कि हर सूरत कलेजे से लगा लेने के काबिल। इश्क नाजुक मिजाज है, बेहद अकल का बोझ उठा नहीं सकता। और एक आखिरी शेर है साहब, बहुत ही छोटी बहर में इतनी कमाल बात कही कि मोहब्बत का तुमसे असर क्या कहूं। और ये आप लोगों से मिलके सादिक है ये शेर वाकई, कि मोहब्बत का तुमसे असर क्या कहूं, नजर मिल गई दिल धड़कने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान। अनीस भाई क्या फरमाइएगा, गुफ्तगू अब आपके और इकबाल भाई के दरमियान है, सब इसको समेटिए। देखिए
बहुत शुक्रिया अदील साहब। मैं तो ये अर्ज करूंगा सबसे पहले कि जितनी अच्छी गुफ्तगू हम सुन चुके अभी अभी भी, यानी अहमद महफूज ने जो बातें कही हैं और राशिद शेख साहब ने जो बातें कही, और उसके पहले जो इब्तदाइया था हमारा हमारे अजीज दोस्त अली अहमद फातमी की जानिब से, उसके बाद मैं जो वाकई आप लोग तो ये कह रहे थे कि कम इल्म हैं और मकतब में अभी यानी वहाँ पे हैं उस मंजिल पे हैं, तो ये दरअसल हमारे लिए था कम इल्म तो हम हैं, इसलिए कि अहमद महफूज की बातें सुनने के बाद और राशिद साहब की बातें सुनने के बाद और जो इब्तदाइया था फातमी साहब का, उसके बाद मुझे कुछ बोलना नहीं चाहिए, इसलिए कि ये मुनासिब नहीं होगा कि मैं इसके बारे में कुछ अर्ज करूँ। इन लोगों ने तो पूरा वक्त लगाया है पूरा, यानी अहमद महफूज साहब ने जिस तरह मीर पे जिस तरह बड़ा काम किया, उतना बड़ा काम अकबर पे किया, तो उनकी जो नज़र है या राशिद साहब की जो नज़र है, उसके बाद हमें या किसी और को बोलने की दरअसल ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूंकि आपने कहा है सिर्फ यानी इसलिए कि आपका हुक्म है, तो मुझे चंद मिनट बस चाहिए, और मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात मैं करने जा रहा हूँ जिसमें कोई नया जाविया होगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि 100 साल गुजर जाने के बाद अकबर भी हमारी तवज्जो का मरकज आज हैं, इसके कुछ माने हैं। यानी आपने जो ये महफिल मुनक़िद की है तो अकबर पे की सिर्फ इसलिए नहीं कि 100 साल पूरे हुए, कोई रस्मी महफिल नहीं है, बल्कि इसमें ऐसे जो नुक्ते निकल के आए हैं उससे ये अंदाज़ा हुआ है कि कई गोशे ऐसे हैं जिस पे भी गुफ्तगू नहीं हुई और होना चाहिए। अहमद साहब ने बहुत उम्दा बातें कही और राशिद साहब ने बहुत खतूत के हवाले से और गज़ल के हवाले से, गज़ल के हवाले से अहमद साहब ने बात की और खतूत के हवाले से राशिद साहब ने बात की, और दूसरे कुछ और हवाले हैं क्या क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है जिसके बारे में हमारे अहमद फातमी साहब ने बात की। मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि किसी भी शायर को जो हमने पढ़ा है और जो पढ़ाया है उसमें ये हम देखते हैं कि किसी भी शायर के बड़े या छोटे होने, किसी अदीब या शायर के बड़े या छोटे होने का एक जो पैमाना है वो है उसकी कॉन्टेम्प्रेरी रेलिवेंस, असरी मानवियत क्या है उसकी। और असर हैसियत का जिक्र अक्सर आप करते हैं, लेकिन हम यहाँ मानवियत की बात कर रहे हैं कि उसकी कॉन्टेम्प्रेरी रेलिवेंस क्या है। बहुत अहम बात है कि 100 साल गुजर चुके हैं, एक शख्स जो 54 साल तक 19वीं सदी में जिंदा रहा और 21 साल तक 20वीं सदी में जिंदा रहा, और अहमद महफूज ने बहुत अच्छी बात कही कि उनका जो पूरा लाइफ स्पैन है अगर उस पर नजर डालिए, 19वीं और 20वीं सदी दोनों के हिस्से इसने देखे, 21 साल इधर और 45 साल उधर, 54 साल उधर, तो बहुत सारे पस मंजर हैं अकबर को देखने को। मिसाल के तौर पर उनका तयन होगा पस मंजर के हवाले से, जो मैं समझता हूँ, एक तो यह है कि उनका जो तारीखी पस मंजर है वो नज़र में रखना चाहिए। हम बात ये कर रहे हैं कि अकबर को हमने एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में नहीं समझा, हम सिर्फ तंज़ो मज़ाह का शायर समझ के किनारे कर दिए, बिल्कुल गलत हुआ जाहिर है कि अब काम कैसे हो। तो मेरा अंदाज़ा ये है कि एक तारीखी पस मंजर में अकबर को देखने की ज़रूरत है। वो तारीखी पस मंजर क्या है कि 19वीं सदी का जो हिस्सा है 50 साल 54 साल का, और उसके बाद से 20 साल जो इधर 2 दहाइयां इधर, वो सिचुएशन क्या थी तारीखी तौर पे, हम इसकी तफसील में नहीं जा सकते इस वक्त, इसलिए कि वक्त भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और बोलने की गुंजाइश नहीं है, सिर्फ इशारे कर रहा हूँ। दूसरा जो एक पस मंज़र हो सकता है, दूसरा जो एक पर्सपेक्टिव हो सकता है अकबर को पढ़ने का, वो है उसका तहजीबी और सकाफती पस मंज़र, और उस पस मंज़र में यानी उस ज़माने की तहजीबी और सकाफती पस मंज़र और वो सूरत हाल क्या थी। अब जाहिर है कि ब्रिटिश रूल है, ब्रिटिश कल्चर है, ब्रिटिश ज़बान है, साम्राज्य है, हुकूमत है उनकी, उसके पहले फोर्ट विलियम कॉलेज आ चुका है, वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। और इस पस मंज़र में आप देख रहे हैं कि एक शख्स है जो हमारे सामने आता है, वो अपना कलाम लेके हमारे सामने आता है, और जिसको हमने ब्रैकेट करके और हमने उसको फॉर्मुलेट कर दिया, एक पिक्चर में डाल दिया और उसको फ्रेम कर दिया और कह दिया कि ये तंज़ो मिज़ाह का शायर है। तो ज़रूरत है और बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना और इस बात को ध्यान में रखना कि उनका तहजीबी और सकाफती पस मंज़र जो तरह का क्लैश था, मैं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की तरफ इशारा नहीं है मेरा, लेकिन एक जो क्लैश था, यानी अकबर के यहाँ ये कोई डिलेमा नहीं था, कोई एम्बिग्यूटी नहीं थी, वो बहुत साफ थे इस मामले में भी, वो अंग्रेजियत के खिलाफ थे, अंग्रेजी के खिलाफ नहीं थे, और ये बहुत सी बातें आई भी हैं जिक्र में, तो इस तरफ में नहीं क्योंकि वक्त बहुत कम है। तीसरा जो एक पस मंजर है जिसकी तरफ हमें निगाह डालनी चाहिए वो है उनका सियासी पोलिटिकल कॉन्टेक्स्ट क्या था अकबर का। अब देखिए गांधी बहुत इंपॉर्टेंट हवाला है अकबर के यहाँ, और इंडियन नेशनल कांग्रेस, और वो किस तरह अपने को यानी उसका जो मैनिफेस्टो था और किस तरह वो अपने को प्रोजेक्ट करना चाह रही थी अपने सियासत के मैदान में, तहरीक आज़ादी, मुस्लिम लीग का एम्पावर करना अपने आप को, फर्स्ट वर्ल्ड वार, ये 4-5 तारीखी ऐसी चीज़ें हैं जो सियासी एतबार से भी अगर आप देखें तो अकबर पे इनका असर था और बहुत गहरा असर था। तो जाहिर है कि जो बातें हुई हैं और राशिद साहब ने कही कि अभी तो बहुत काम होना बाकी है, अहमद महफूज कह रहे हैं बहुत सही कह रहे हैं, बहुत काम होना बाकी है, तो ये 3-4 पस मंजर है जो मुझे समझ में आते हैं। एक और बहुत अहम पस मंज़र है जिसमें इन अकबर को पढ़ा जाना चाहिए, वो है उनका तालीमी पस मंज़र। और तालीमी पस मंज़र ये कि सर सैयद
तो ज़ाहिर है कि अलीगढ़ तहरीक और सर सैद और उसके बाद सर सैद के इख्तलाफात का भी जिक्र बहुत होता है कि अकबर के साथ उनके इख्तलाफात थे और शिबली और अकबर को हम एक साथ पढ़ते हैं और सैद को कहते हैं कि मुखालिफिन में। तो बहरहाल एक तालीमी पस मंज़र भी है और एक बहुत अहम पस मंज़र है, कॉन्टेक्स्ट कह लें बल्कि उसको हम, वो है अदबी कॉन्टेक्स्ट जो है अकबर का। और उसमें मैं इशारा करना चाहूँगा अवध पंच की तरफ, बहुत ख़ास रेफरेंस है अकबर को बेहतर तौर पर समझने के लिए अवध पंच। जब उस ज़माने में मुंशी सज्जाद हुसैन साहब का अवध पंच, और जिसमें कितने बड़े बड़े लिखने वाले उस वक्त शामिल हुए थे और एक पूरा कितना उम्दा ग्रुप बना था, और अकबर भी उसका हिस्सा थे, सरशार उसका हिस्सा थे मिसाल के तौर पे, और ज्वाला प्रसाद उसका हिस्सा थे, चकबस्त उसका हिस्सा थे। तो एक जहनी और फिक्री तरबियत की आमाजगाह थी वो जगह, और अवध पंच ने वो कमाल किया कि तंज़ो मज़ाह की शायरी का जो ख़ास तौर पर तंज़ो मज़ाह के अदब के ऊपर नज़र डालने वाले और जो तालिब इल्मों ने काम किया है, जो रिसर्चर्स ने काम किया अवध पंच के इस हवाले से काम किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि अवध पंच तो एक तरह का लिटरेरी क्लाइमेट और कल्चरल क्लाइमेट और पोलिटिकल क्लाइमेट एक तश्कील दे रहा था, और अकबर का बड़ा अहम रोल था। तो मैं जो सिर्फ कहना ये चाहता था कि अकबर को के कदर कीमत का तायुन इन चार पाँच हवाले हैं जो मेरी नज़र में आते हैं। एक तो तारीखी है, दूसरा तहजीबी और सकाफती है, तीसरा सियासी है, चौथा तालीमी है, और पांचवा अदबी है। इनके हवालों से अकबर की तरफ हम जा सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही है अहमद साहब ने कि सिर्फ गजलों, यानी गजलों का जिक्र ही नहीं होता, गजलों की तरफ तो कोई मायल ही नहीं हुआ कभी, कोई जिक्र, कोई शेर भी नहीं। हम तो वो शेर हमेशा पढ़ते हैं जिनसे आपको पढ़ के तंज़ो मिज़ाह का अंदाज़ा होता है, आप मज़े लेते हैं, उसके आगे आप कुछ नहीं, बल्कि ज़बान के बारे में नहीं सोचते। बहुत उम्दा बात कही अहमद साहब ने कि भाई इर्तिका और तरक्की क्या उम्दा बात कही है। अच्छा, राशिद साहब ने इसकी तरफ इशारा किया है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अकबर को पढ़ने के लिए न सिर्फ कि उनके कलाम तंज़ो मज़ाक का भी पूरा जो 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 वर्बल स्टडी होनी चाहिए, उस तरह से उसकी शायद नहीं हुई, आप बेहतर जानते हैं इस बात को। तो अकबर की शायरी मेरे ख्याल में एक डिस्कोर्स है, हम इसको एक डिस्कोर्स की हैसियत से लेना चाहेंगे, और एक डिस्कोर्स की हैसियत से अगर हम इसको पढ़ें तो अकबर की शायरी में जो नई परतें हैं वो हमारे सामने खुल के आएंगी। देखिए, कौमी दर्दमंदी और मुसलमानों के मामलात जो थे उनकी तवज्जो का मरकज बने, जहनी और फिक्री तरबियत करना चाहते थे, तालीम के बारे में, पर्दे के बारे में, साम्राज्य के बारे में, इन चीज़ों के बारे में जो बातें हुई हैं सब किताबों में लिखी हुई हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि अकबर किस तरह से डिस्कोर्स कायम कर रहे, सियासी डिस्कोर्स क्रिएट कर रहे थे अकबर, एक तारीखी डिस्कोर्स कायम कर रहे थे, एक सकाफती डिस्कोर्स कायम कर रहे थे, और जहनी और फिक्री डिस्कोर्स कायम करना चाह रहे थे अकबर। तो अकबर को पढ़ने का जो पूरा एक, यानी जो एक मैप है हमारे सामने, और एक जो पूरा नक्शा हम बनाना चाहेंगे, अगर आज का तालिब इल्म कोई बनाना चाहे, आप बेहतर जानते हैं अहमद साहब और राशिद साहब और फातमी साहब, कि शायद ये हवाले किसी काम आ सकें। अकबर का ज़माना, एक और बात है जो बहुत अहम है, जो मुझे नज़र में मेरी बहुत अहमियत है इसकी, कि अकबर की शायरी उस ज़माने की है जब कलोनियलिज्म का ज़माना था, साम्राज्य का ज़माना था, और आज हम ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में हैं। तो वो कलोनियलिज्म, उसके बाद पोस्ट कलोनियलिज्म का मैं जिक्र नहीं करूँगा बल्कि कहूँगा ग्लोबलाइजेशन। तो वो जो ज़माना था जिसमें अकबर ज़िंदा थे, वो कलोनियल और जो 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 साम्राज्य का ज़माना था, तो उसकी जो खराबियाँ और खूबियाँ थी उससे वो वाकिफ़ थे, और उसके बारे में वो लिख रहे थे, उसकी खूबियों का भी जिक्र करते हैं वो, उसकी तबरुकात और उसकी बरकत का भी जिक्र करते हैं, लेकिन उससे खायफ भी हैं। उसी तरह से ग्लोबलाइजेशन में भी यही हो रहा है आजकल, कि ग्लोबलाइजेशन के बड़े सारे एट्रीब्यूट्स हैं, बड़े सारे फवायद हैं, लेकिन साथ साथ ग्लोबलाइजेशन ने हमें महदूद भी कर दिया है, हमारी ज़ात को भी मस्त कर दिया, हमारे हमारी तहजीब, हमारी सकाफत जो है, हमारे जो 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 पूरा कल्चरल बैगेज हमारे सामने है, ग्लोबलाइजेशन ने उसको मस्त किया। मिसाल के तौर पर वेस्ट में एक बड़ी अजीब गरीब बात आजकल हो रही है, और हमारे बहुत सारे अंग्रेजी के जो टीचर्स हैं उसमें शामिल हो गए हैं, और मैंने कई जगह इस पे इस बात पे, अगर मैं एक बाजार का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, कि पंगा लिया है, वो एक वर्ल्ड लिटरेचर का एक बॉगी खड़ी कर दी गई है आजकल, और ये कहा जा रहा है कि सब वर्ल्ड लिटरेचर है। भाई, वर्ल्ड लिटरेचर तो कोई कोई इस तरह की कोई चीज़ मेरे जहन में नहीं आती। वर्ल्ड लिटरेचर का एक तसव्वुर टैगोर ने पेश किया था, लेकिन वर्ल्ड लिटरेचर के बारे में उन्होंने बहुत कम लिखा वहाँ पे, वो उनवान उनका है वर्ल्ड लिटरेचर, लेकिन वर्ल्ड लिटरेचर से उन्होंने इंगेज ही नहीं किया वहाँ पे टैगोर ने। लेकिन टैगोर टैगोर है, तो जाहिर है कि उनकी जो वक़्त है वो अपनी जगह पर कायम है। अब वर्ल्ड लिटरेचर में हो ये रहा है कि तमाम जो बड़े ममालिक हैं, तमाम जो बड़े फोर्सेज हैं, जो न्यू कलोनियलिज्म का जो पूरा सिलसिला शुरू हुआ है, उसमें ये पूरी साजिश है कि आपके अदबियात को और आपकी शख्सियत को दोबारा से मस्क किया जाए, या न्यू कलोनियलिज्म का हिस्सा है। चुनांचे अकबर को आजकल के ज़माने में इस ग्लोबल वर्ल्ड में देखने की ज़रूरत ये होगी कि अकबर की अहमियत का, कि जो जो तकाजे अकबर हमसे करते हैं, उन तकाज़ों को और उसकी अहमियत को हम कैसे रियलाइज़ करें। तो ये चंद बातें हैं जो मुझे समझ में आती हैं कि हमें शायद इस पर जिक्र, यानी
ध्यान देने की ज़रूरत होगी। मगरबियत और जदीदियत पे अकबर फ़र्क करते हैं, मगरबियत एक चीज़ है और जदीदियत यानी वो फ़र्क करते हैं वेस्टनाइजेशन में और मॉडर्नाइजेशन में, वो वेस्टनाइजेशन के खिलाफ है, मॉडर्नाइजेशन के फेवर में है। अब इस बहुत ही बारीक जो एक 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 डिवाइडिंग लाइन है, इस पे अकबर का जो तबसरा है और अकबर की जो का जो फ़लसफ़ा है, मैं तो कहता हूँ अकबर जो है वो एक मुफक्किर है, सकाफती मुफक्किर है, उसकी बुनियादें मज़हब में हैं, वो बहस कायम करते हैं, सियासत और समाज का इरफान हासिल उस आदमी के, माशरे के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, अदब और ज़बान के एतबार से बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। मैं वक्त नहीं लेना चाहता, इसलिए नहीं लेना चाहता कि देखिए बहुत अच्छी गुफ्तगू की है दोनों तीनों हजरात ने, और इसके बाद हमारे लिए बोलना मुमकिन भी नहीं है और मुझे बोलना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि आपने तो पूरी उम्र लगा दी है इसके अंदर। मैं तो तालिब इल्म उर्दू का डायरेक्ट नहीं हूँ, लेकिन हमारी चूँकि आप लोगों के साथ आपकी सोहबत में थोड़ी दिलचस्पी बढ़ी तो हमने भी सोचा कि इंशुअरा को पढ़ना चाहिए और उससे फैज़ उठाना चाहिए, तो हमने ये कोशिश की। शुक्रिया आदिल साहब कि आपने हमें शामिल किया इसमें, अगरचे मैं अकबर पे क्या कंट्रीब्यूट कर सकता था, लेकिन ये समझता हूँ कि पस मंज़र शायद अगर हम क्रिएट करें अकबर के लिए, अकबर के कॉन्टेक्स्ट अगर हम क्रिएट करें और कलोनियलिज्म का एक दौर और ग्लोबलाइजेशन का दूसरा दौर अगर ये सामने रखें, और तीसरी बात एक और ये भी सामने रखें, उनकी गज़लों पे तवज्जो नहीं जो नहीं दी गई है उसकी तरफ वापस आएँ, खतूत पे तवज्जो नहीं दी, नसर का तो कोई जिक्र ही नहीं होता अकबर के हवाले से। अगर आप कहीं पे नसर का जिक्र करिए तो लोग बहुत हैरत में पड़ेंगे, अच्छा नसर भी देखिए, जो फ्रेम आपके सामने है जहाँ वदील साहब बैठे हैं वहाँ आपके बराबर में अकबर है, और वो मौलाना सफ़ेद दाढ़ी लाल टोपी काली शेरवानी पहन के बड़े गौर से हमारी बात सुन रहे हैं, और मुझे लग ये रहा है कि कुछ फिक्रमंद है। तस्वीर में उनकी आप देखिए, वो फिक्रमंदी के आसार है, फिक्रमंदी के आसार शायद यही कि मैं तुमने हमें समझा कहाँ ठीक से, 100 साल गुजर गए और आज तक आज तुम तक, अब चंद लोगों ने काम किया तो चंद लोगों को तो बहुत बहुत मुबारकबाद। अहमद महफूज साहब आप कह रहे हैं कि साहब यानी मैं तो जानता हूँ कि जब आपने मुझे मीर वाली किताब दी थी मुझे तो किस कदर में खुश हुआ, और उसका उन्वान जो आपने कायम किया था तो उस पर भी आपसे बात हुई थी, मुझे बहुत मज़ा आया। और ख़ासतौर पर अदील साहब अगर वो किताब आपको हासिल नहीं हुई तो ज़रूर हासिल करें, मीर का जो काम है इनका जो इन्होंने CPUL के लिए किया है और अकबर वाले जो काम है ये दोनों ज़रूर हासिल करें, आपके लाइब्रेरी में ये होना ज़रूरी है, इसलिए कि आप तो आर्काइव क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों किताबें आपका। राशिद साहब से मिलकर बहुत खुशी हुई, इसलिए कि साहब मुझे नहीं अंदाज़ा था, और ये हमारे फातमी साहब ने और अहमद महफूज ने जो मुलाकात आज कराई है राशिद साहब से, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदील साहब। ऐसी ऐसी महफिलें आरास्ता करते रहिए, हमारी दुआएं भी हैं और हमारी नई ख्वाहिशात भी हैं, लेकिन मुझे बोलने का मौका दिया जबकि ऐसे लोग आज बोल रहे थे जो अकबर पे काम जिन्होंने किया है, और हम तालिब इल्म थे तो हमने सुना और आपने बड़ी इज्जत दी, लेकिन अगर हमने कुछ ज्यादा बातें कर दी तो माफी भी चाहता हूँ। आपने बड़े अच्छे नुकात देखिए सामने लेके आए, बड़ा गुफ्तगू बहुत मुकम्मल बड़ी जामे हुई, इसमें कोई शको शुबन दो बातें नहीं है, फातमी भाई हैं, अहमद महफूज साहब हैं, राशिद शेख साहब ने पूरा काम किया, उन्होंने पूरी पूरी लाइफ स्पेन है, लेकिन देखिए जो नुकात आप लेके आए और अभी जो इकबाल भाई हमारे आ रहे हैं, एक वेस्टर्न वर्ल्ड में एक जिंदगी गुजरी है इनकी यहाँ पे, तो कभी कभी ये होता है कि जब इंसान जंगल में होता है तो दरख्त नजर नहीं आ रहे होते, और जब दरख्त नजर आ रहे होते हैं तो जंगल नजर नहीं आ रहा होता तो ये अच्छा है कि कुछ वो भी शामिल हैं हम जैसे जिन्होंने के अकबर इलाहाबादी पर रिसर्च तो नहीं की, लेकिन आज बहुत समझने सुनने को मिला और नए नए पहलू उजागर हुए। इकबाल भाई फिर इन दो शेरों की के साथ अकबर इलाहाबादी के आप तक चलते हैं, क्योंकि आपकी हमारी जिंदगी जो है वो वतन से बहुत दूर गुजरी है एक लंबा अरसा, और रहता है इबादत में हमें मौत का खटका, हम याद खुदा करते हैं कर लेना खुदा याद, कर लेना खुदा याद। और थोड़ा सा जो जैसा आपने कहा अभी अनीस भाई के ये जो फिक्र है, फिक्र में गलता रहे अकबर इलाहाबादी, उनके कलाम से जाहिर है, उनकी तस्वीर से भी ये जाहिर है कि जब मैं कहता हूं कि या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है कि अपना नामाए अमाल देख। तो इकबाल भाई फरमाइए,
हाँ मुझे इस दूसरे मिसरे में अपना बहुत अच्छा लगा, अल्लाह से तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया और आदिल साहब का सबसे बढ़ के कि वो सबको जमा कर लेते हैं। देखिए अब वक्त तो बहुत कम रह गया है, वो जज्बी का शेर याद आ रहा है मुझे कि अब मुझ पे नदा का आलम है तुम अपनी मोहब्बत वापस लो, जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं। अच्छा। तो मैं क्या मजीद बोझ ला दूं उस पे। लेकिन अकबर जो है बड़े यूनिक शायर हैं, ये तो बहुत दफा कहा जाता है, लेकिन उनकी यूनिकनेस पे बात कम होती है। आज बहुत सैर हासिल गुफ्तगू हुई, फातमी साहब ने उसकी इब्तदा की, फिर अहमद महफूज साहब ने, फिर राशिद साहब ने, फिर आपने गुफ्तगू की हुई। मैं समझता हूँ कि किसी भी आदमी को ये देखने के लिए कि वो अपने दौर में कितना मुअस्सर था, कितना रेलेवेंट था, ये दो चीज़ें मुझे मेरी नज़र में होती हैं कि ज़रूर देखी जाए। मैं कोशिश करता हूँ तालिबे इल्म का, मैं ज़रूर इसकी जांच करूँ या इसका एक अंदाज़ा करूँ, वो है कि उसने इज्तमाई शऊर को कितना फ़रोग दिया अपने ज़माने में, और दूसरी चीज़ अपना जो इमीडिएट प्रेडेसेसर था उसका और जो आइंदा आने वाला है इमीडिएटली, उसको कितना मुतासर किया है, कितना मुतासर हुआ। अब अकबर का अगर आप देखें तो हमारे उर्दू में एक अजीब सदी है, 1798 में गालिब पैदा हुए हैं और 1898 में जोश पैदा हुए हैं, और इनके बीच में कौन कौन है, गालिब के बाद फौरन आते हैं सर सैयद हैं, फिर अकबर हैं, फिर इकबाल हैं, फिर जोश, और ये बड़ी बहुत ही गहमा गहमी की और एक बहुत ही मुनफरिद सदी है इस लिहाज से कि उस वक्त सब कुछ ऐसा लग रहा है कि खल्त मल्त भी हो रहा है, नई चीज़ें बन रही हैं, पुरानी चीज़ें उजड़ रही हैं। तो अकबर उसी निजाई दौर में हैं अकबर, और अकबर जो है उन्होंने क्या किस तरह से ट्रीट किया उस निजाई दौर को, ये देखने वाली चीज़ है और जो बहुत मुनफरिद है अकबर की। अकबर ना मुस्तकिल पजमुर्दा हैं, ना मुस्तकिल तंज कर रहे हैं, ना ही मुस्तकिल नसीहत कर रहे हैं, और ना ही मुस्तकिल ज़रीफ़ाना और ज़रीफ़ाना शायरी से या ख्यालात से लोगों को नवाज रहे हैं, शामिल कर रहे हैं। वो सब चीज़ों को मिला के अपने दर्द को एक तरह से छुपा भी रहे हैं और ट्रीट भी कर रहे हैं और आने वालों के लिए एक मवाद भी फराहम कर रहे हैं। तो इस लिहाज से वो बड़े मुनफरिद शायर हैं उर्दू में। अब जैसा कि हम लोग ने सब ने अभी सुना कि ज़रीफ़ाना शायरी की बात हुई, किसी को पता ही नहीं कि आम कारी को कि अकबर थे क्या चीज़। और जैसे शुरू में फातमी साहब ने भी इस बात को कहा, मैं उसी को दोहरा रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस लिहाज से बहुत अहम समझता हूँ अकबर को, कि अकबर ने इकबाल और जोश को बयक वक्त बे इंतहा मुतासर किया, और ये दोनों मामूली शायर नहीं है उर्दू के, दोनों मामूली अधान नहीं है उर्दू के, मुफक्किर शायर हैं। तो इसमें अकबर में कोई ना कोई तो खास बात रही होगी। अब अकबर एक तरफ अगर शुरू में लोग समय ये कहा गया है और तरक्की पसंदों ने भी कहा बहुत ज्यादा, ब्रांडिंग वहां बहुत जल्दी हो जाती थी, फिर खैर रिविजिट भी हुआ कि अकबर जो हैं वो सर सैयद के खिलाफ थे। मैं नहीं समझता कि अकबर सर सैयद के वाकई खिलाफ थे, उनके यहाँ थोड़ा सा तफावुत था। वो सबमिशन के कायल नहीं थे, वो रेजिस्टेंस के साथ पूरी जवाबदारी के साथ पूरी शौरी कोशिश के साथ चीज़ों को समझने और आगे बढ़ाने के कायल थे। इसीलिए उनके एक ग्रेजुअल चेंज आपको नजर आता है कि शुरू में ऐसा लगता है कि शिद्दत है उनको और लोग ये समझने लगते हैं कि शायद वो एंटी वेस्टर्न थॉट के आदमी हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, अभी कुछ अशार पढ़े गए। और दूसरी जो उनकी खास बात थी, उनके यहाँ बड़ी बैलेंस ओपिनियन मौजूद थी हर चीज़ के बारे में। वो मजहबी आदमी थे, लेकिन अब देखिए एवोल्यूशन पे कुछ शेयर पढ़े गए, एक शेयर मैंने भी निकाल के रखा था जो मुझे कई लिहाज से अकबर की हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए वो शेयर ये है कि है एवोल्यूशन बस एक तस्वीर रब्बुल आलमी, है एवोल्यूशन बस एक तस्वीर रब्बुल आलमी,
काश इस नुक्ते से वाकिफ हो मुसलमान इन दिनों। अब इन दिनों का इस्तेमाल देखें, अब अभी काफी और हदीस पे अकबर के इस्तेमाल की बात हो रही थी और मुसलमान को वो कह रहा है कि इस वक्त जो हो रहा था उसमें उनका जो पैगाम था वो बहुत ऐसा था कि वो हर चीज पे मुसलमानों को सिर्फ एंटी रिलीजियस समझ के मुतनफिर होने से रोक रहे थे। तो वो एक तरफ, और उन्होंने बाद में सर सैयद के अपने आखिरी दिनों में बहुत तारीफ भी की है, तौसीफ भी की है, अशार में भी और दूसरी जगह भी। तो ऐसा नहीं था कि वो जो थे बिल्कुल सबमिसिव थे या टोटली ऑप्रेसिव थे, नहीं, वो ऐसे नहीं थे। वो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल आदमी थे और इंतहाई सूझबूझ की आदमी थे। अब उनके साथ जो नाइंसाफी हुई, तो ये बताएं कि उर्दू अदब में पिछले 75 साल में किसके साथ नाइंसाफी नहीं हुई। अगर नाइंसाफी उनके साथ ना होती तो ये उनके साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी हो जाती कि जिस सब में सब बड़े थे उसमें उनको शामिल ना किया। तो ये तो हमारे यहाँ ये हमारी एक बड़ी खुदादाद सलाहियत है कि, और इसीलिए हमारे यहाँ जो जुबूहाली है वो कभी जाती नहीं है। माशरे की मैं बात कर रहा हूँ, जहनों की बात कर रहा हूँ कि हम एहसान फरामोश बहुत हैं, जिससे कुछ लेते हैं उसको कुछ देते नहीं है, उसका रिकग्निशन भी नहीं करते, उसको मानते भी नहीं है। तो इन चीज़ों को हमें यहाँ पे, मैं जो ये आपने एक स्कूल समझ लिया कायम किया है, स्कूल ऑफ थाट में कहूँगा इसको, उन मानों में नहीं जिन मानों में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ख्याल अफरोजी के मानों में मैं ले रहा हूँ। तो इसमें हमें चाहिए कि हम, मैंने आपसे अर्ज किया था फ़ोन पे भी अदील साहब, कि हम बजाय चीज़ों को बयान करने के उनकी तफसील को उनकी जिस्त को लेके उसमें आइंदगा के लिए जो चीज़ें हैं या आइंदा ज़माने के लिए या आज के ज़माने में जो रेलेवेंस है उनकी, उस पर गुफ्तगू करें और हल्का सा रेफरेंस दे के आगे निकल जाएं, तो ज़्यादा वो सेहतमंद और समझ लीजिए कि हमारे लिए मुफीद होंगी और आने वालों के लिए। अब यहाँ पे उर्दू खुद हाल इतनी हो गई है कि उसका कोई पूछने वाला नहीं है बराए, मगर एक दो खित्तों को निकाल दिया जाए तो उसके पैर के नीचे जमीन भी नहीं है इस वक्त। तो अब इस हालत में ये एजाज है तो हम लोग उर्दू में गुफ्तगू कर रहे हैं और उर्दू में बात कर रहे हैं इतनी दूर बैठे हुए। अकबर को अगर ये मलाल था, उस वक्त जाएं कि अकबर सर सैयद के फौरन बाद आ रहे हैं और उनके यहाँ एडजस्टमेंट के लिए उनको जो वक्त दरकार था उसमें भी उनके शेर हैं, और जब उन्होंने एडजस्ट कर लिया उसे, तो एक निजाई दौर है। हमारी तहजीब जो है वो तहजीब जो अकबर के ज़माने में मर रही थी, जो जुबूहाली का शिकार थी, वो तहजीब हमें समझ लें, शेर व अदब के लिहाज से तो देख रहे हैं क्यों, लेकिन सकाफती एतबार से देखें, रहाइश के एतबार से देखें, रहन सहन के एतबार से देखें और सोच के एतबार से देखें, तो वो तहजीब मर चुकी है। वो तहजीब ये तहजीब नहीं है। जिस तहजीब के से खायफ थे, जिसके हावी हो जाने से अकबर, वो हावी हो चुकी है। आज नहीं हुई, 50-60 साल 70 साल पहले हो चुकी है, और जो काम नहीं कर सकते थे वो उन्होंने जाने के वक्त तकसीम करके उसको किया, ताकि खिलौने दे के बहलाया गया हूँ वही वाली बात करके वो चले गए। अब हमने इसमें कितना खुद रोल प्ले किया, मैं यकीनी तौर पे अकबर पे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उस माशरत पे, उस तहजीब पे बात कर रहा हूँ जिसके मिट जाने का अकबर को बहुत ही खतरा था, खौफ था, फलक था, और उन्होंने उस पर बहुत सारे अशार कहे। इतने छोटे वक्त में, इतने कम वक्त में अकबर के मुतालिक गुफ्तगू करना बहुत मुश्किल है। इन नतायज पे जो अक्स किए गए हैं, जो मेरी तालिबान राय है, उसको शेयर करना ही मैं कर सकता था। और मैं समझता हूँ कि इस फोरम को, अदील साहब, मैं आपसे फिर एक दफ़ा गुजारिश करूँगा कि इसको मोनोलॉग की जगह डायलॉग रखें, क्योंकि मैं, मेरा ये स्टेटेड पोजीशन और मेरा समझना है कि हमारे माशरे का सबसे बड़ा मसला जो है वो गुफ्तगू कम और मोनोलॉग बहुत ज़्यादा है। आप देख लें, तमाम हमारा डिस्पेंसेशन जो है पूरा हायरार्की इसी पे बिल्ड है कि एक आदमी बैठ के बोलेगा और बाकी लोग सुनेंगे, उसके बाद गुफ्तगू। तो इसको गुफ्तगू रखें, क्रॉस फायर रखें,
लोग एक दूसरे से बात करें छोटे छोटे जुमलों में, छोटी छोटी गुफ्तगू, ताकि ख्याल अफरोजी हो। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप इसको यकीन तौर पर, बड़ी उम्दा बात आपने कही, मैं भी इसकी तायद करता हूँ। ये क्योंकि अगर 20 मिनट का भाषण हुआ और उसके बाद आपके पास दूसरा आदमी आएगा, जाहिर है वो जो सोच कर आया वो बोलेगा, मैं जो लिख के लाया जो नोट बना के लाया मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, ना मैं आपके पिछले प्रोग्राम में बोला था, क्योंकि मुझे ये चाहिए होता है कि जो वहां पे हो रहा है, ये जो ऑर्गेनिक सिचुएशन है ना, हमें इससे डील करना है। हमें वो जो पुरानी सिचुएशन थी वो इनऑर्गेनिक हो चुकी है, वो पार्ट ऑफ हिस्ट्री है, तो प्लीज इस पे आप जरा ध्यान दीजिएगा, मेरी गुजारिश है। बहुत ही अच्छे नुकात हैं आपके, बड़ी अच्छे पहलू। देखिए, अकबर इलाहाबादी का सिलसिला जो है, हमारा टॉपिक था अकबर के बाद 100 साल और हम। इस प्रोग्राम के तवस्सुत से सुनने वालों को, देखने वालों को, जो लोग अकबर पे कुछ चाहेंगे कि उनके ख्यालात में, उनकी नॉलेज में कुछ इजाफा हो सके, हम समझते हैं कि बहुत ही सैर हासिल गुफ्तगू हुई। और इवन दो दैट कि ये कुछ हम मोनोलॉग भी रहा, लेकिन वो चीजें महफूज हुई। और ये महफूज का लफ्ज़ साहब आ रहा है बार बार इसमें, तो हमारे महफूज भाई जो है मौजूद हैं यहाँ, उन्होंने बड़ा काम किया है। तो जो लोग ये प्रोग्राम 2 घंटे तक पहुंचा, लेकिन शायद ये एक रेफरेंस के लाइब्रेरी में बहुत मुख्तसर किताबें भी होती हैं, कुछ किताबें रेफरेंस बुक्स कहलाती हैं, जिन्हें के लोग निकाल के और उनको बाकायदा बिब्लियोग्राफी वगैरह और रेफरेंसेस होते हैं। तो ये प्रोग्राम कम से कम उस नौयत का जरूर हुआ। और डायलॉग की बात आपकी 100% सही है, अगले प्रोग्राम्स जो हैं अकबर पे, क्योंकि इतना मवाद नहीं है, गुफ्तगू इतनी सैर हासिल नहीं हुई कभी, कम से कम जो हमने ऑनलाइन जाके प्रोग्राम देखे। हमारे राशिद शेख साहब ने गुफ्तगू फरमाई, और राशिद भाई उस प्रोग्राम में भी, बाकी हमने भी सुना इस प्रोग्राम के करने से पहले, तो वाकई अगर आपको वक्त मिलता दिया जाता तो शायद ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि बाकी गुफ्तगू जो उस प्रोग्राम में है वो शायद इतनी अहम नहीं नुकात थे उसमें। तो आज हमारे प्रोफेसर अहमद मसूद साहब, महफूज साहब हैं, फातमी भाई हैं, प्रोफेसर अनीस रहमान साहब ने कुछ चीजें जो है उनकी तरफ इशारा किया, और ये बिल्कुल इत्तफाक है आपसे इकबाल भाई के, जो जिस तहजीब को की तरफ इशारा था, जो उनके खदशात थे, वो तो गुजर गया, वो तो सर से पानी गुजर चुका है और एक अरसा हुआ, अभी कोई नई बात नहीं है। लेकिन कम अज कम अकबरी का एक शेर है कि बस जान गया मैं तेरी पहचान यही है, तू दिल में तो आता है समझ में नहीं आता। तो यहीं पे इख्तिताम करते हैं कि कम अज कम जो अकबर को समझना चाहें लोग आने वाले वक्तों में, शायद इस प्रोग्राम के तवस्सु से उनकी कुछ मदद हो जाए। यकीन, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा बात है। फातमी भाई, आप आखिरी कलमात आपकी तरफ से होने चाहिए, आप ही मुहर्रिक थे इस प्रोग्राम के, तो आप आखिरी कलमात से इस प्रोग्राम का इख्तिताम फरमाइए। अरे भाई, बात क्या बस करनी है, मेरे खुद मेरे इल्म में इजाफा हुआ महफूज और राशिद साहब के ख्यालात को पढ़कर, लेकिन मैं आज भी इस पर बाकी खतूत को जमा करना, कुलियात को एडिट करना, ये सब तो बहुत अच्छी बात है, अपने बाप बहुत ही उम्दा, बहुत ही सब कर भी रहे हैं, लेकिन मैं एक तरक्की पसंद अदीब की हैसियत से आज भी इस अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ कि अकबर का सोशो पॉलिटिकल असेसमेंट ना के बराबर हुआ है। उनको नहीं समझा गया, तरक्की पसंद अदीबों ने और नकादों ने भी उनको एक तरह से एक फासला बना लिया कि अरे भाई ये तो तरक्की और तब्दीली के खिलाफ है। ऐसा नहीं है, जैसा कि सब इस पर मुत्तफिक हैं, ऐसा नहीं है। अकबर का कलाम एडिट कीजिए, खुतूत जमा कीजिए, वो सब बहुत अच्छा है, बहुत उम्दा, इसमें क्या कहने, जिसकी भी तारीफ की जाए, लेकिन अगर उसके जहान मानी को, उनके अफकार को, उनके ख्यालात को नहीं समझा गया, चाहे वो गज़ल में हो, चाहे वो नज़्म में हो,
مزاح میں ہو ربائی میں ہو, اور اگر ہم اپنے عہد سے جو صارفیت کا دور ہے, جو ایک کمپوزٹ جو کنزیومر کلچر کا دور ہے جس کی طرف انہوں نے بہت پہلے اشارہ کیے تھے, اس طرف سے ہم اپنے آپ کو اکبر سے نہیں جوڑتے یا اکبر ہم سے نہیں جوڑتے, یہ میرے نزدیک زیادہ ضروری کام ہے کہ ان کے افکار کو, ان کے فلسفے کو, ان کی درد مندی کو, ان کی جو فکر مندی ہے اس کو بھی ہم آپ سمجھیں. عادل صاحب میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنا اچھا یہ مذاکرہ ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ, بہت 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 مبارک ہو تمام شرکا کا. راشد شیخ صاحب بڑی عنایت بڑی نوازش, آپ فون پہ شامل رہے اور یہ تکنیکی وجوہات کی وجہ سے ہم آپ سے روبرو ملاقات نہ کر سکے, لیکن تصویر آپ کی لگی رہے گی پروگرام. کوئی حرج نہیں, آپ کا بھی بے حد شکریہ کہ آپ مجھ طالب علم کو موقع دیا کچھ عرض کرنے کا, اور باقی حضرات کا بھی شکریہ جن جن بزرگوں نے میری ناچیز خدمات کو خطوط اکبر کے حوالے سے تحسین کی نظر سے دیکھا. اور حقیقت یہ ہے کہ ایسے مذاکرے اور ایسی محفلیں, یعنی آپ آج کے ماحول میں تو ہم ترس گئے ایسی محافل کو اور ایسی گفتگویں سننے کو, بے حد خوشی ہوئی اور ہمارے دل سے دعا بھی نکلی. اور یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کی بھی خوبی ہے کہ اس نے اتنی دور دراز علاقوں میں جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو ملایا اور باہمی گفتگو ہوئی اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. دل سے دعا نکل دی آپ کے لیے. اللہ راشد بھائی بہت بہت شکریہ, اور جو شرکائے محفل ہیں ان تک یہ بات پہنچا دیں کہ راشد شیخ صاحب جو ہیں مختلف طریقوں سے انسانوں کو جوڑتے رہے ہیں. سول انجینئر ہیں ایز اے پروفیشن, اور کراچی میں جو جہاز لینڈ ہو رہے ہیں اس میں بھی ان کی شرکت ہے, بغیر ان کی توجہات کے شاید ان کا لینڈ ہونا اتنا آسان نہ ہوتا. اس ایئرپورٹ وہاں جو بنا ہے اس میں یہ شامل رہے ہیں. جی جی بہت شکریہ. تو بہت شکریہ تمام شرکائے محفل کا, بے انتہا آپ کا بہت شکریہ, آپ کا بہت شکریہ. پھر ملیں گے اگر خدا لائے, انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ.